हेलो स्टूडेंट, तो आज हम लोग देखने जा रहे हैं लेक्चर नंबर 4। ये रहेगा आपका कैपेसिटर का। बड़ा ही मज़ेदार लेक्चर ये मैंने तैयार किया हुआ है। इसके अंदर काफ़ी सारे मैंने आपके लॉजिकल जो थ्योरेटिकल प्रॉब्लम होते हैं वो रखे हुए हैं। मज़ेदार न्यूमेरिकल है, ठीक है ना। मेरे ख्याल से आज आपका दिल खुश हो जाएगा कैपेसिटर को करके। और फिर बस थोड़ी सी प्रैक्टिस शीट से प्रैक्टिस करनी है और टेस्ट के इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम लगाने हैं, काम पैकअप। तो आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं मजेदार और पावरफुल लेक्चर कैपेसिटर का, झुमाने वाला, ठीक है ना। तो सबसे पहले बेसिक थ्योरी एक बार थोड़ी थोड़ी सी रिवाइज कर लेते हैं। आज का मेन यूएसपी जो है ना वो है इसके प्रॉब्लम। तो जोरदार प्रॉब्लम है, आपको काफी मजा आएगा इसके प्रॉब्लम देख करके। ऐसा नहीं है मैंने आईआईटी एडवांस के प्रॉब्लम रखे हैं, रखे आपके लेवल के हैं, पर चुन चुन करके रखे हैं जिनके अंदर स्टूडेंट्स को जनरली दिक्कत रहती है, या ऐसे प्रॉब्लम्स हैं जो एक प्रॉब्लम से बहुत सारे कंसेप्ट आपके क्लियर कर देंगे। तो बड़े स्पेशल प्रॉब्लम है, आ जाओ पहले बेसिक थ्योरी देखते हैं। तो ये रहा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, और मेरे ख्याल से कैपेसिटेंस आप जानते हो, इसका फॉर्मूला एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी होता है। ये डिपेंड करता है बीच के मीडियम के ऊपर। अगर हम डायलैक्ट्रिक इंट्रोड्यूस कर दें तो कैपेसिटेंस बढ़ जाएगा। क्रॉस सेक्शन एरिया के ऊपर डिपेंड करता है, सेपरेशन के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है ना। तो ये कुछ छोटी छोटी बातें हैं और ये मैंने यहाँ पर लिखी हुई है, इसमें इतना ज़्यादा कुछ खास इंटरेस्टिंग नहीं है, बट बताना था। दूसरा है हमारा स्फेरिकल कैपेसिटर। स्फेरिकल कैपेसिटर की कैपेसिटेंस का फॉर्मूला 4πε0ab/b-a या R2-R1 कर लो। अगर सिंगल प्लेट का स्फेरिकल कैपेसिटर है तो 4πε0RS की कैपेसिटेंस का फॉर्मूला हो जाएगा। तीसरा हमारा सिलेंड्रिकल है, ये आज तक कभी आया नहीं है, ठीक है ना, तो ना आने का कोई चांस है, बट फिर भी सेफ साइड पे रहते हुए आप इसकी कैपेसिटेंस का फॉर्मूला याद कर लो। 2πε0L, L जहां पर इसकी सिलेंडर की लेंथ हो गई, LN log की बेस E, B/A जहां B आउटर रेडियस और A इनर रेडियस। तो ये तीन हमारे बेसिक कैपेसिटर हो गए, ठीक। अब हम आते हैं, देखो काम यहीं से स्टार्ट हो जा रहा है, इसलिए सारे बच्चे शुरू से ही ध्यान लगा करके सीखना, टाइम एक मिनट का भी वेस्ट मत करना। एक एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में अगर आप कंफ्यूज हो गए, आपने इस टाइम पर थोड़ा सा मजाक कर लिया, मस्ती कर ली और चीजें आपके दिमाग में उल्टी सेट हो गई, तो वहां निगेटिव मार्क्स आ जाएंगे। तो कैपेसिटर की मेन कहानी यही है कि इसके अंदर थ्योरेटिकल पोर्शन काफी अच्छा होता है, ठीक है ना, और मेरा मेन जोर भी उसी के ऊपर है कि वो आपको अच्छे से आ जाए। इसके लिए आपको पूरी कंसंट्रेशन से ये कंसेप्ट सीखने पड़ेंगे और फिर इनका एप्लीकेशन देखना है। देखो हम करने क्या जा रहे हैं, हमने कैपेसिटर को बैटरी से कनेक्ट किया, ठीक है ना, शुरुआती जोरदार है। तो बैटरी से कनेक्ट किया, बैटरी से कनेक्ट करने के बाद कैपेसिटर हो गया पूरी तरीके से चार्ज, ठीक। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला आप जानते हो, ½CV2। बैटरी जो वर्क करेगी, आधा स्टोर होगा इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, आधा लॉस होगा इन द फॉर्म ऑफ हीट एनर्जी। अच्छा, ये एनर्जी वाले तो आगे आएंगे, खैर। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं, मैंने बैटरी से कनेक्ट किया, कैपेसिटर पूरी तरह चार्ज हो गया, चार्जिंग बैटरी डिस्कनेक्ट कर दी। अब हम कैपेसिटर की प्लेट को दूर कर रहे हैं, ये काफी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। इसमें सीधे सीधे सवाल वर्क डन का पूछा जाता है, मैंने रखा हुआ, आगे हम लोग उसको देखेंगे। और एग्जाम के अंदर ये आपको जरूर प्रैक्टिस करके जाना है, मान करके चलो बहुत इंपॉर्टेंट है इस साल के लिए, ठीक है ना, और किसी भी हालत में आपका गलत नहीं होना चाहिए। तो हमने कैपेसिटर की प्लेट को दूर किया। अब दूर करने से क्या क्या चीजों पर फर्क पड़ेगा, तो कैपेसिटी, देखो कैपेसिटी का तो कोई लेना देना नहीं है, बैटरी कनेक्टेड है या डिसकनेक्टेड है, सेपरेशन बढ़ेगा, कैपेसिटेंस कम होगी। बैटरी डिस्कनेक्ट होने से कैपेसिटर की प्लेट के ऊपर आने वाला चार्ज कांस्टेंट हो जाता है, ठीक है ना। तो क्यू कांस्टेंट हो गया, सी का वैल्यू सेपरेशन बढ़ाने से कम हुआ। अब कहानी आती है पोटेंशियल डिफरेंस की, तो Q इक्वल्स टू CV से चेक कर लेते हैं। तो V का वैल्यू हो गया Q बाई सी, क्यू तो देखो कांस्टेंट है, C का वैल्यू सेपरेशन बढ़ाने से कम हो रहा है, क्योंकि C कम हो रहा है इसलिए पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ेगा। यानी अगर हम प्लेट के बीच का सेपरेशन बढ़ाएंगे बैटरी डिसकनेक्ट करके, तो पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ेगा, ठीक है ना। अगर ये चीजें आपके पास नोट नहीं है, वैसे तो ये PDF आपको मिली जा रही है, ठीक है ना, बट फिर भी आप इनको हाईलाइट जरूर कर लेना। और लास्ट के लिए ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आप एग्जाम में जाते वक्त अपनी कॉपी में से जरूर रिवाइज करके जाना, ठीक है ना, कि ये कैपेसिटर का कनेक्शन और डिसकनेक्शन फ्रॉम बैटरी। ओके, तो पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीज कर गया अगर हम डिसकनेक्टेड कैपेसिटर का सेपरेशन बढ़ाते हैं। अब फील्ड की बारी आती है। इलेक्ट्रिक फील्ड के दो फॉर्मूले होते हैं, या तो लगा लो क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट ए, या फिर लगा लो क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट ए मतलब सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, या फिर आप लगा सकते हो वी बाय डी, दोनों से ही चेक कर सकते हो। अब देखो V भी बढ़ रहा है, D भी बढ़ रहा है, तो उससे चेक करना थोड़ा सा आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। Q बाय एप्सिलॉन नॉट ऐसे चेक करोगे बहुत आसान रहेगा। देखो Q कांस्टेंट है, A कांस्टेंट है, एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट है, तो फील्ड कांस्टेंट रहेगी, यानी कि फील्ड के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, E का वैल्यू पहले जैसा रहेगा। ओके, पोटेंशियल एनर्जी पे काम करते हैं।
पोटेंशियल एनर्जी, अब दो फॉर्मूले हैं, हाफ सी वी स्क्वायर हाफ क्यू स्क्वायर बाय सी, जो कांस्टेंट है उसके हिसाब से लगाएंगे, क्यू कांस्टेंट है तो हाफ क्यू स्क्वायर बाय सी लगाया। अब सी के हिसाब से हम पोटेंशियल एनर्जी चेक करेंगे, सेपरेशन बढ़ाने से सी कम हो रहा है, सी कम हो रहा है तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगा, तो पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज करता है, यही इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है ना, यानी फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी इज द वर्क रिक्वायर्ड टू सेपरेट प्लेट। तो अगर हमें वर्क डन कैलकुलेट करना है प्लेट को अलग करने का, तो वो वर्क डन हो जाएगा फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, और पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला हम यूज करेंगे हाफ क्यू स्क्वायर बाय सी। ये मैं यहां चलता नहीं करूंगा, ये न्यूमेरिकल दिखाऊंगा तब मजा आएगा। अब सिमिलरली दूसरी तरफ बैटरी कनेक्टेड है और मैं सेपरेशन को इंक्रीज कर रहा हूं, एक एक चीज पे काम करते हैं, कैपेसिटेंस बोलते जाओ, कैपेसिटेंस का वैल्यू क्या करेगा, उसका तो कोई लेना देना नहीं है, सेपरेशन बढ़ेगा तो कैपेसिटेंस कम होगा। बैटरी कनेक्टेड है तो पोटेंशियल कांस्टेंट रहेगा, ठीक है ना, अब चार्ज नहीं, अब पोटेंशियल कांस्टेंट रहेगा। आगे की तरफ बढ़ते हैं, पोटेंशियल कांस्टेंट रहेगा तो चार्ज का वैल्यू पे क्या फर्क पड़ेगा, तो देखो अगर पोटेंशियल कांस्टेंट है, वी का वैल्यू कांस्टेंट है, मैंने तुरंत फॉर्मूला लगाया क्यू इक्वल्स टू सी वी, ठीक है ना, वी हमारा कांस्टेंट है तो क्यू सी के हिसाब से वैरी करेगा और सी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डी है, तो सेपरेशन बढ़ाने से कैपेसिटेंस का वैल्यू कम हुआ, चार्ज का वैल्यू कम हुआ, अब खेल बड़ा इंटरेस्टिंग हुआ, ठीक है ना, यानी कि जब आप कैपेसिटर को बैटरी से कनेक्टेड रखोगे पोटेंशियल कांस्टेंट है, सेपरेशन बढ़ाओगे कैपेसिटेंस कम होगा चार्ज कम होगा, ये चार्ज गया कहां, ये चार्ज कैपेसिटर से वापस बैटरी की तरफ गया, समझ आया, तो वर्क डन बाय बैटरी नहीं हुआ, वर्क डन ऑन बैटरी हुआ। तो अगर एग्जामिनर यहां कंसेप्चुअल पूछेगा तो इस तरीके का पूछ सकता है, कैपेसिटर इज कनेक्टेड टू बैटरी एंड बैटरी रिमेन्स कनेक्टेड, नाउ सेपरेशन बिटवीन प्लेट्स, नाउ सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर इज इंक्रीज्ड, देन वर्क इज डन बाय बैटरी, वर्क इज डन ऑन बैटरी, नो वर्क इज डन, या नन ऑफ दीज, बन गया ना एक इंटरेस्टिंग सवाल। तो चार्ज आ रहा है कैपेसिटर से बैटरी की तरफ, इसलिए वर्क डन ऑन बैटरी हुआ, किसके द्वारा, कैपेसिटर के द्वारा, आपके नोट्स में ये मेंशन होना चाहिए, ये आपको आखिरी टाइम पे याद रहना चाहिए, ठीक है ना, तो मैं लिख देता हूं तो क्यू का वैल्यू डिक्रीज करेगा एंड चार्ज फ्लोस फ्रॉम, ठीक है ना, कैपेसिटर टू बैटरी एंड वर्क इज डन ऑन बैटरी। तो ये हमारे पास पूरा का पूरा इसका बेसिक आ गया। ओके, और सीखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड चेक करने का वही क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट यूज कर लो, क्योंकि चार्ज कम हो रहा है तो फील्ड का वैल्यू ऑब्वियसली कम होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर डिक्रीज कर जाएगी। पोटेंशियल एनर्जी, अब क्योंकि पोटेंशियल कॉन्स्टेंट है तो हम हाफ सी वी स्क्वायर के हिसाब से चेक कर लेंगे, सी की वैल्यू कम हो रही है तो पोटेंशियल एनर्जी भी कम हो जाएगी, तो पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज कर रही है, फील्ड डिक्रीज कर रही है, तो बहुत सारे हमारे पास कंसेप्चुअल हो गए, ठंडे दिमाग से एग्जाम में सोचना, कंफ्यूज बिल्कुल मत हो जाना। तो ये था जब कैपेसिटर को हम बैटरी से डिसकनेक्टेड रखते हैं या कनेक्टेड रखते हैं और सेपरेशन को इंक्रीज कराते हैं, ठीक है, सिमिलरली उल्टा बनेगा सेपरेशन को डिक्रीज कराने का रिजल्ट। अब चलते हैं एक और कंसेप्ट की तरफ, ये कुछ छोटे छोटे बेसिक फॉर्मूले हैं, जैसे दो कैपेसिटर है, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज है, बैटरी डिसकनेक्टेड है, तो इनके बीच में लगने वाली फोर्स कितनी होगी, तो फोर्स तो पहली बात अट्रैक्शन की लगेगी और इसका स्टैंडर्ड फॉर्मूला हो गया कि आप देख सकते हो क्यू स्क्वायर बाय टू एप्सिलॉन नॉट ए, तो ये वाला प्लेट इस वाले प्लेट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा बाय अप्लाइंग फोर्स ऑफ क्यू स्क्वायर बाय टू एप्सिलॉन नॉट ए। ये ध्यान रखना है ये फॉर्मूला हर जगह एप्लीकेबल नहीं होता, ये सिर्फ तब के लिए जब बैटरी डिसकनेक्टेड है, अगर बैटरी कनेक्टेड होती है तो फिर ऐसे सिचुएशन में हम एनर्जी कंसेप्ट से निकालते हैं, जिसमें हम पोटेंशियल एनर्जी निकालते हैं, डिफ्रेंशिएट करते हैं तो फोर्स आती है, बट इतना आपके सिलेबस में नहीं आता, तो इसलिए जनरली आप बुक्स के अंदर ये वाला फॉर्मूला देखोगे। अब दूसरा आता है एनर्जी डेंसिटी, एनर्जी डेंसिटी मतलब एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, स्टैंडर्ड फॉर्मूला है हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बड़ा सिंपल सा हमारा फॉर्मूला है, मेरे ख्याल से आप सबको पता भी होगा और ये हम ईएम वेव के अंदर वैसे भी बहुत ज्यादा यूज करते हैं। अच्छा, अब एक और चीज आती है, वो आता है एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। तो अगर दो कैपेसिटर है, एक सी वन का एक सी टू का, एक को वी वन से चार्ज किया एक को वी टू से चार्ज किया और आपस में कनेक्ट कर दिया, तो हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ चार्ज जाता है और इस दौरान एनर्जी लॉस होती है इन द फॉर्म ऑफ हीट एनर्जी, क्योंकि चार्ज कनेक्टिंग वायर के थ्रू होकर जा रहा है और कनेक्टिंग वायर से जब भी चार्ज फ्लो करेगा तो एनर्जी हीट के फॉर्म में लॉस होगी। सबसे पहले तब तक ये चार्ज एक से दूसरे पर जाता रहता है जब तक पोटेंशियल कॉमन ना आ जाए, उस कॉमन पोटेंशियल को निकालने का हमारा फॉर्मूला बड़ा सिंपल, मिलीमेन लगा लो जो मर्जी चाहिए वो बोल लो, प्लस माइनस सी टू वी टू। ये प्लस माइनस मैंने इसलिए लिखा, अगर पॉजिटिव वाली प्लेट कनेक्टेड होगी मतलब सेम पोलैरिटी वाली कनेक्टेड होगी तो प्लस रहेगा, अपोजिट पोलैरिटी वाली हो जाएगी तो माइनस आ जाएगा, डिवाइडेड बाय सी वन प्लस सी टू।
ठीक है ना, ये स्टैंडर्ड फॉर्मूले कोई खास नहीं है बट जनरली सबने पढ़े हुए होते हैं, इसलिए इस टाइम पर रिवाइज कराने में ठीक रहता है। फाइनल चार्ज अगर हम निकालें तो वो हो जाएगा C1B, दूसरे का फाइनल चार्ज निकालें वो हो जाएगा C2B, क्योंकि दोनों पे V अब सेम है तो हम ये कह सकते हैं चार्ज का रेशियो कैपेसिटेंस के रेशियो के बराबर होगा। एक और चीज़, इस दौरान जो एनर्जी लॉस होगी वो लॉस इन एनर्जी का जो हमारा फॉर्मूला होगा वो होगा हाफ C1 C2 by C1 plus C2 टाइम्स V1 minus V2 का होल स्क्वायर। माइनस तब आएगा जब लाइक प्लेट कनेक्टेड होंगी, अनलाइक प्लेट कनेक्टेड होंगी तो ये माइनस और माइनस बन जाएगा प्लस, ठीक है ना। तो ये हमारा एनर्जी कंजर्वेशन का, एनर्जी लॉस का इसके अंदर फॉर्मूला रहा। अब इसी के अंदर हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कुछ पहले थ्योरेटिकल प्रॉब्लम, जैसे शुरुआत इनसे होती है। तो आपके सामने दो मजेदार थ्योरेटिकल प्रॉब्लम है, लगाओ दम, ठीक है ना। अच्छा, अब आपका काम शुरू है, अब आप सब बच्चों को एक एक प्रॉब्लम का आंसर देते जाना है, क्योंकि मैं कमेंट सेक्शन के अंदर देखते रहता हूँ कि आप किस तरीके से, जैसे लास्ट लेक्चर में आपने क्या किया था, आप बहुत ज़्यादा इंटरेक्टिव थे, आप हर एक क्वेश्चन का आंसर दे रहे थे, अच्छा लगा था, ठीक है ना। कम से कम सीधी बात, नो बकवास तो हो रही थी, मतलब आप सीधे काम की बात कर रहे थे। तो मैं इस टाइम पे कोई बकवास नहीं करते हुए सीधे प्रॉब्लम पर हम फोकस करते हैं, आप सब बच्चे एक एक प्रॉब्लम का आंसर देते जाओ, ठीक है ना, जो हमारा मेन एम है। तो ये कह रहा है, इफ द डिस्टेंस बिटवीन प्लेट ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज इंक्रीज्ड, कुछ नहीं मैंशनड है कि कैपेसिटर कनेक्टेड है या डिसकनेक्टेड है, जब कुछ नहीं मैंशनड है तो हम मानते हुए चलेंगे आइसोलेटेड कैपेसिटर है, मतलब बैटरी से डिसकनेक्टेड है। अब आप इसके प्लेट के सेपरेशन को इंक्रीज करा रहे हो, ठीक है ना, और इसी के ऊपर आपके चार ऑप्शंस हैं। देन हमें पता करना है पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में, तो मेरे ख्याल से अब बहुत आसान है, ठीक है, एक बार वापस से रिवाइज कर लेते हैं। क्या होगा, डिस्टेंस इंक्रीज करेगा तो सी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डी होता है, तो डिस्टेंस इंक्रीज करेगा तो कैपेसिटेंस डिक्रीज करेगा। चार्ज तो कॉन्स्टेंट हो गया तो क्यू इक्वल्स टू सी वी के हिसाब से पोटेंशियल डिफरेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सी हो गया। अब क्योंकि सी का वैल्यू डिक्रीज करेगा तो पोटेंशियल इंक्रीज करेगा, तो विल बी सेम नहीं होगा, विल बी लेस देन नहीं होगा, विल इंक्रीज, दैट मीन्स ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। तो ये थ्योरेटिकल है बट एक बार अगर आपको कंसेप्ट आ गए तो फिर आपको आसान लगेंगे, नहीं आते तो फिर आप माथा पीटते रहो, आपको सवाल का आंसर नहीं सूझेगा। नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा, शुरू शुरू के दो सवाल थोड़े से आसान है, इसके बाद थोड़ा सा आपका डिफिकल्टी लेवल बढ़ता जाएगा। देखो, इफ बोथ द प्लेट ऑफ चार्ज कैपेसिटर आर प्लेस्ड इन कॉन्टैक्ट, तो हम क्या करने जा रहे हैं, ये हमारे पास एक कैपेसिटर है, एक प्लेट पर पॉजिटिव चार्ज है, एक प्लेट पर नेगेटिव चार्ज है, ठीक है ना। हम दोनों प्लेट को आपस में कॉन्टैक्ट में लाने जा रहे हैं, इस तरीके से एक वायर से कनेक्ट कर रहे हैं, तो ये जानना चाह रहा है कि इसमें से कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। तो रिजल्टेंट चार्ज, तो रिजल्टेंट चार्ज के बारे में बताना है हमें। दूसरा, रिजल्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस, तो चार्ज और पोटेंशियल डिफरेंस पे क्या फर्क पड़ेगा। देखो, सबसे पहले कैपेसिटी के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता, कैपेसिटेंस का फॉर्मूला ये हो गया एप्सिलॉन नॉट A/D। अब हम जानते हैं चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है ना, और सी वहां पर कॉन्स्टेंट का काम करता है। अगर आप वायर से कनेक्ट कर देते हो तो वायर से कनेक्ट करने पर दोनों प्लेट का पोटेंशियल सेम हो जाएगा, यानी डेल्टा वी का वैल्यू जीरो हो जाएगा। डेल्टा वी जैसे ही जीरो हो जाएगा तो वैसे ही दोनों प्लेट के ऊपर का चार्ज भी जीरो हो जाएगा, तो इसका मतलब इसमें नेट चार्ज भी जीरो हो जाएगा, इसमें नेट पोटेंशियल डिफरेंस भी जीरो हो जाएगा। अब आप इसका ऑप्शन देख सकते हो, तो रिजल्टेंट चार्ज विल जीरो, रिजल्टेंट पोटेंशियल विल बिकम जीरो, दोनों ही करेक्ट है, बोथ रिजल्टेंट पोटेंशियल एंड चार्ज विल बिकम जीरो, तो बिल्कुल परफेक्ट आंसर हमारा सी है। नेक्स्ट प्रॉब्लम पर आते हैं। अब ये दो बड़े अच्छे कंसेप्चुअल प्रॉब्लम है, पढ़ो। इसमें हमें सिलेक्ट करना है फॉल्स स्टेटमेंट को, एक एक स्टेटमेंट इसमें बड़े काम का है, आपको ध्यान लगा करके सोचना है, ठीक है ना, अच्छी तरीके से समझना है कि कौन सा ऑप्शन अच्छा, जो फॉल्स है वो ये नहीं कि तुरंत से आंसर निकाला और चल दिए, नहीं, आपको एक एक ऑप्शन पे काम करना है कि अगर वो गलत है या सही है तो क्यों सही है, ठीक है ना, हर एक का लॉजिक हमारे पास होना चाहिए। पहला पॉइंट कह रहा है, ऑन ज्वाइनिंग टू चार्ज कंडक्टर बाय अ थिन वायर, तो दो चार्ज कंडक्टर है, कोई से भी ले लो, स्फेरिकल ले लो या किसी आर्बिट्री शेप के ले लो, तो ये हमारे पास दो चार्ज कंडक्टर है, हम इनको वायर से जोड़ने जा रहे हैं, ओके। द चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन दैम एंड द रेशियो ऑफ चार्ज इज इक्वल्स टू रेशियो ऑफ कैपेसिटी, आपको बात क्लिक करी होगी कि मैंने अभी जस्ट आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि अगर दो कैपेसिटर या दो कंडक्टर को आपस में कॉन्टैक्ट में लाते हैं तो इनमें क्या होता है, एक से दूसरे पर चार्ज जाता है, ऐसा तब तक होता है जब तक फाइनल पोटेंशियल सेम ना हो जाए। तो कनेक्ट करने के बाद दोनों का फाइनल पोटेंशियल सेम हो गया, इसका फाइनल चार्ज हो गया C1B और इसका फाइनल चार्ज हो गया C2B। तो यहाँ से हमें साफ पता चल रहा है कि चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कैपेसिटेंस और फाइनल चार्जेस का रेशियो कैपेसिटेंस के रेशियो के बराबर होगा। इसलिए मैंने कहा एक एक पॉइंट में सोचते हुए चलना है, स्किप नहीं करना, ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट,
पोटेंशियल एनर्जी ऑफ चार्ज कंडक्टर इज द मेजर मेजर्ड बाय वर्क डन ड्यूरिंग इंक्रीज ऑफ पोटेंशियल. तो ये कह रहा है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ चार्ज कंडक्टर इज मेजर्ड बाय वर्क डन ड्यूरिंग इट्स इंक्रीज ऑफ पोटेंशियल. अब इसका क्या सेंटेंस का मीनिंग है? अब पता है इसमें क्या हुआ, आपने फर्स्ट ऑप्शन पढ़ा, अब आपको लगा यार ये तो फर्स्ट ऑप्शन से ही एसोसिएटेड है, अब आप इसी के अंदर घुस गए कि अगर हम पोटेंशियल एनर्जी को देखना चाहते हैं तो वो इंक्रीज इन पोटेंशियल के बराबर होगा, वर्क डन इन बाय इंक्रीज इन पोटेंशियल के बराबर होगा. ये एक बिल्कुल इंडिपेंडेंट स्टेप है, अलग से सोचो. ये बोला है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ चार्ज कंडक्टर, तो एक कंडक्टर की बात चल रही है, दो कंडक्टर की नहीं बात चल रही. तो आप कोई भी कंडक्टर ले लो, मैं कैपेसिटर ले लेता हूं, बैटरी से हम इसे कनेक्ट कर रहे हैं. अब पढ़ो तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ चार्ज कंडक्टर इज मेजर्ड बाय वर्क डन ड्यूरिंग इट्स इंक्रीज ऑफ पोटेंशियल. अब दिमाग लगाओ, ये कह रहा है बहुत मतलब डेप्थ वाला स्टेटमेंट है, आपको बहुत अच्छे से एनालाइज करना पड़ेगा. गलत अंदाजा लगा के आपको पता है नेगेटिव मार्क आएगा, इसलिए एक एक पॉइंट बहुत ध्यान से समझना है. तो ये कह रहा है कि पोटेंशियल एनर्जी जो इसके अंदर आएगी वो होगा वर्क डन ड्यूरिंग इंक्रीज इन पोटेंशियल. तो सोचो बैटरी यहां से वर्क डन कर रही है, इस वर्क डन के कारण कैपेसिटर की प्लेट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ता चला जा रहा है, ठीक है ना. तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ चार्ज कंडक्टर इज मेजर्ड बाय द वर्क डन ड्यूरिंग इंक्रीज इन पोटेंशियल. तो बैटरी का काम है कैपेसिटर के पोटेंशियल डिफरेंस को बढ़ाते चले जाना, और जितना पोटेंशियल डिफरेंस वो बढ़ाती चली जाएगी उसको बढ़ाने के लिए जो वर्क डन करना पड़ेगा वही वर्क डन स्टोर होगा इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी. यानी ये चीज और कुछ नहीं, पोटेंशियल एनर्जी की स्टैंडर्ड डेफिनेशन है. तो ये स्टेटमेंट हमारी पूरी तरीके से करेक्ट है. अब थर्ड स्टेटमेंट पर आओ, ज्वाइनिंग टू चार्ज कंडक्टर. अब वापस से कहानी आ गई दो चार्ज कंडक्टर की, पढ़ते जाओ. विद अ थिन वायर, तो यही सीन चल रहा है अभी. द चार्ज फ्लो फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, तो हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ चार्ज जाता है, अभी तक सब कुछ ठीक है. ओके, एंड इन दिस प्रोसेस बिकॉज ऑफ सम वर्क डन बाय द सिस्टम इट्स टोटल पोटेंशियल एनर्जी रिड्यूसेस. अब ये सोचने वाली बात है कि अब चार्ज अगर जाएगा तो सिस्टम कुछ ना कुछ वर्क करेगा, वायर के थ्रू होकर के जा रहा है, ये वर्क डन किसी यूजफुल फॉर्म में कन्वर्ट नहीं हो पाता, ठीक है ना, इसलिए एनर्जी के फॉर्म में लॉस होता है, तो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी रिड्यूस हो जाती है. अब ये क्या कह रहा है, तो बिकॉज ऑफ सम वर्क डन बाय द सिस्टम इट्स पोटेंशियल एनर्जी रिड्यूसेस. तो ये स्टेटमेंट भी हमारा करेक्ट है, हमें ढूंढना है इनकरेक्ट, अभी तक नहीं मिला, ठीक है ना. यही इस प्रॉब्लम की खासियत है, एक एक चीज आपको सोच सोच समझ करके करनी पड़ती है. चौथा ऑप्शन पढ़ो, इफ टू चार्ज कंडक्टर एट सेम पोटेंशियल, तो कहानी है दो चार्ज कंडक्टर है, दोनों का पोटेंशियल सेम है. ओके, आर ज्वाइंड बाय थिन वायर, तो अगर सेम पोटेंशियल वाली चीज को वायर से ज्वाइन करोगे कुछ नहीं होगा, ठीक है ना, एक से चार्ज दूसरे पर नहीं जाएगा, ना पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी ना पोटेंशियल एनर्जी कम होगी. देखते हैं क्या कह रहा है, देन द टोटल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑल्सो रिड्यूसेस. तो भाई रिड्यूस नहीं होगी क्योंकि चार्ज ही नहीं फ्लो किया, सिस्टम को वर्क डन ही नहीं करना पड़ा, वो वर्क डन ही नहीं करना पड़ा तो एनर्जी लॉस ही नहीं हुई, इसलिए जितनी पहले पोटेंशियल एनर्जी थी उतनी बाद में. तो ये स्टेटमेंट हमारा इनकरेक्ट है. तो मेरे ख्याल से समझ तो आ गया होगा, है ना. तो देखने में था यार बड़ा थ्योरी वाला प्रॉब्लम है, इतनी देर में चार न्यूमेरिकल हो जाते, है ना. तो एक थ्योरी वाला प्रॉब्लम हमारा टाइम बहुत ज्यादा ले लेता है, वो डिपेंड करता है उस प्रॉब्लम के स्ट्रक्चर के ऊपर, एग्जामिनर ने कितनी डेप्थ तक वो आपसे प्रॉब्लम पूछा है. तो जनरली हमारे दिमाग में क्या टेंडेंसी होती है कि यार थ्योरी वाले प्रॉब्लम तो हम 5-5 सेकंड में उड़ा लेंगे, न्यूमेरिकल करने में हमें भाई टाइम लगता है. अब आप बताओ जितनी देर में मैंने ये थ्योरी वाला प्रॉब्लम आपको समझाया उतनी देर में हम 2-3 न्यूमेरिकल आराम से कर सकते हैं, ठीक है ना. इसलिए जहाँ थ्योरी वाला प्रॉब्लम आए आप जल्दबाजी मत करो, एक एक चीज को सोच के समझ के करो, ठीक है ना. और अगर आपको लगता है कि यार ये हमें परफेक्टली आता है तो ही टिक करना, नहीं आता आप छोड़ दो क्योंकि नेगेटिव मार्क्स आएगा, ठीक है ना. तो इसलिए मेरा इस फेज टू के अंदर मेन जो जोर है वो थ्योरी बेस्ड प्रॉब्लम पर है, इस टाइप के, ठीक है ना, मजेदार है. अगर आपको ऐसे प्रॉब्लम इंटरेस्टिंग लग रहे हो तो एक छोटी सी मेरी रिक्वेस्ट है, मान लेना, ठीक है ना, मेरे को भी मोटिवेशन मिलेगा. प्ले स्टोर पे जाके ऐप को रिव्यू कर देना, ठीक है ना, और ये जरूर बताना कि आपको इस फेज टू में कैसा लग रहा है, आपके इम्प्रूवमेंट हो रहा है या नहीं हो रहा, ठीक है ना, या क्या सीन है, ठीक है, ये जानना मेरे लिए ज़रूरी है. तो वहाँ पर आप रिव्यू करोगे, मेरे को भी अच्छा लगेगा और मोटिवेशन मिलेगा, और अच्छे हम लोग ऐसे प्रॉब्लम आपके लिए लेकर के आएंगे. अब चलते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम पर. ये प्रॉब्लम कह रहा है चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग. अब वापस से भैया कहानी आ गई इनकरेक्ट स्टेटमेंट की, ठीक है ना. अब हमें दोबारा इनकरेक्ट स्टेटमेंट को चूज करना है, देखते हैं क्या कह रहा है. पढ़ो, ये कह रहा है व्हेन टू आइडेंटिकल कैपेसिटर आर चार्ज्ड इंडिविजुअली टू डिफरेंट पोटेंशियल. तो कहानी में थोड़ा सा ट्विस्ट है, दो आइडेंटिकल कैपेसिटर है, दोनों को चार्ज किया गया थ्रू डिफरेंट पोटेंशियल. मैं डायग्राम बनाते जा रहा हूं. तो जैसे ये सी का है
पोटेंशियल वी वन है, ये सी का पोटेंशियल वी टू है, ठीक है ना। ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, आगे पढ़ते हैं। एंड कनेक्टेड पैरेलल टू ईच अदर आफ्टर डिसकनेक्टिंग फ्रॉम द सोर्स। अब इनको आपस में पैरेलल में कनेक्ट कर दिया गया, तो पैरेलल का मतलब तो यही होता है लाइक प्लेट लाइक की तरफ। देन वी हैव टू फाइंड आउट इनकरेक्ट स्टेटमेंट आउट ऑफ दिस, ठीक है ना। तो हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट इसमें से चाहिए, देखते हैं क्या मिलता है। पढ़ो, नेट चार्ज इक्वल्स टू सम ऑफ इनिशियल चार्जेस। अब देखो ये क्वेश्चन भी कोई मतलब एरा गैरा क्वेश्चन नहीं है, इसके अंदर भी एक एक ऑप्शन के अंदर कंसेप्ट डेप्थ तक इन्वॉल्व है, इसलिए मैंने इसको सिलेक्ट किया है। नेट चार्ज इक्वल्स टू सम ऑफ इनिशियल चार्ज, तो अब नेट चार्ज कितना होगा, तो बहुत ध्यान से मेरी बात सुनना, इनमें रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज होगा। कब तक होगा, जब तक दोनों का पोटेंशियल सेम नहीं हो जाता, ठीक है ना। अब नेट चार्ज की बारी आती है, चार्ज या तो यहां से यहां की तरफ जाएगा या यहां से यहां की तरफ जाएगा, ओवरऑल चार्ज कंजर्व्ड रहेगा। तो अगर हम नेट चार्ज कैलकुलेट करेंगे तो नेट चार्ज जो होगा, तो फाइनल मतलब इधर का चार्ज अगर आप देखोगे तो ऑब्वियसली ये तो दोनों बराबर हो गए, तो Q1 प्लस Q2 ये हो गया इनिशियल चार्ज, फाइनल चार्ज हो गया 2Q डैश। अब हमारा ऑप्शन नंबर वन क्या कह रहा है, नेट चार्ज इक्वल्स द सम ऑफ इनिशियल चार्ज। तो जो भी नेट चार्ज है कहीं पर भी अगर आप निकालना चाहो, फाइनली नेट चार्ज, नेट मतलब दोनों का सम निकालना चाहो, तो अगर हम नेट चार्ज निकालें तो ये नेट चार्ज इनिशियल दोनों चार्ज के सम के बराबर आ रहा है, तो ये स्टेटमेंट पूरी तरीके से करेक्ट है और ये चार्ज कंजर्वेशन लॉ को फॉलो कर रहा है। तो दिस स्टेटमेंट इज 100% करेक्ट। दूसरे स्टेटमेंट पर आते हैं, द नेट एनर्जी स्टोर्ड इन द टू कैपेसिटर इज लेस देन द सम ऑफ इनिशियल इंडिविजुअल एनर्जीज। तो नेट एनर्जी स्टोर्ड इन टू कैपेसिटर, तो हमें नेट एनर्जी की वैल्यू चाहिए। तो अगर मैं यहां से कैलकुलेट करूं तो मेरे को वी निकालना पड़ेगा, ठीक है ना। इस वी का वैल्यू हो जाएगा सी वन वी वन प्लस सी टू वी टू डिवाइडेड बाय सी वन प्लस सी टू। तो अगर मैं वी का वैल्यू देखूं तो ये आ रहा है V1 प्लस V2 बाय 2, सिमिलरली ये भी आ रहा है V1 प्लस V2 बाय 2। अच्छा अब देखो, अगर हम इसे कैलकुलेट करने बैठे कि नेट एनर्जी कम होगी या ज्यादा होगी, तो लग जाएगा टाइम। अब मैं आपको सिंपल सा तरीका देता हूं, होता क्या है जब चार्ज एक से दूसरे में जाता है या दूसरे से पहले में जाता है, क्योंकि दोनों के पोटेंशियल अलग अलग है, तो एनर्जी लॉस होती है। तो ऑब्वियसली पहले की एनर्जी ज्यादा होगी, बाद की एनर्जी कम होगी। तो ये स्टेटमेंट क्या कह रहा है, नेट एनर्जी स्टोर्ड इन द टू कैपेसिटर इज लेस देन द सम ऑफ इनिशियल इंडिविजुअल एनर्जी, है ना। तो इनिशियल इंडिविजुअल एनर्जी के सम से कम होगा, क्यों कम होगा, क्योंकि वो एनर्जी हीट के फॉर्म में लॉस हो चुकी है। तो हमें इसे प्रूव करने की जरूरत नहीं है, हम इस स्टेटमेंट से आइडिया लगा सकते हैं। तो दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो करेक्ट। थर्ड पर आते हैं, द नेट पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस देम इज डिफरेंट फ्रॉम द सम ऑफ इंडिविजुअल इनिशियल पोटेंशियल डिफरेंस। एक एक सेंटेंस ने ऐसी तैसी कर रखी है हमारी, ठीक है ना। तो अब हम नेट पोटेंशियल डिफरेंस निकालते हैं, देखो कैसे निकलेगा। तो नेट पोटेंशियल डिफरेंस या कॉमन पोटेंशियल की वैल्यू हो जाएगी वी वन सी वन वी वन प्लस सी टू वी टू बाय सी वन प्लस सी टू, तो आ जाएगा वी वन प्लस सी टू बाय टू। ऑप्शन बढ़ते हैं, द नेट पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस देम is different from the sum of individual initial potential difference. तो हमने individual potential difference का sum किया, उससे ये different आ रहा है। क्यों different आ रहा है, क्योंकि ये directly इनके sum के बराबर नहीं है, sum by 2 के बराबर है, इसलिए net potential difference की value V1 plus V2 के बराबर नहीं है। तो ये statement भी हमारा correct है। Last पढ़ो, the net potential difference across them equals the sum of individual initial potential difference. तो ये statement हमारा इनकरेक्ट है। तो मेरे ख्याल से मजा आ गया होगा, जबरदस्त प्रॉब्लम थे दोनों के दोनों, और इनको अब आपको क्या करना है, एक बार वापस से जरूर रिवाइज करना है। बहुत सारे कंसेप्ट इन चार चार आठ ऑप्शंस के अंदर छुपे हुए थे। चलते हैं आगे, देखो अब फिर से हमारे सामने तीन प्रॉब्लम आ रहे हैं, ठीक है ना। देखते हैं क्या क्या कह रहे हैं। ये पहला प्रॉब्लम कह रहा है ऑन ज्वाइनिंग टू स्फेरिकल कंडक्टर ऑफ रेडियाई आर वन एंड आर टू। तो हमारे पास दो स्फेरिकल कंडक्टर है, एक का रेडियाई आर वन एक का रेडियाई आर टू, और इनको हम ज्वाइन करने जा रहे हैं, ओके, बाय कंडक्टिंग वायर। द एनर्जी ऑफ द सिस्टम, तो एनर्जी ऑफ सिस्टम क्या होगा। देखो अब यहां पर ये नहीं अपनी तरफ से अपनी इंटरप्रिटेशन देने लग गए कि यार हमने कनेक्ट किया तो चार्ज इधर से उधर जाएगा, एनर्जी कम होगी। चार्ज जाएगा तब तो कम होगी, गया ही नहीं। तो एक एक चीज सोचनी पड़ेगी, चार्ज कब जाएगा, जब दोनों का पोटेंशियल अलग अलग होगा, ठीक है ना। एक हाई होगा एक लो होगा। स्फीयर के पोटेंशियल का फॉर्मूला के क्यू बाय आर होता है,
ध्यान से समझना एक एक चीज। तो अगर पोटेंशियल अलग अलग होगा तो के क्यू बाय आर अलग अलग होगा। देखो के तो हटा दो, कॉन्स्टेंट है, यानी क्यू बाय आर का रेशियो अलग अलग होना चाहिए। अगर इसका क्यू बाय आर ज्यादा है, ठीक है, अभी ये खैर इसमें नहीं है, बट ये चीज मैं अपनी तरफ से आपको बोल रहा हूँ क्योंकि ये जरूरी नहीं है यही है। इसमें क्या पता कुछ उसने मॉडिफाई करके दे दिया, आप कंफ्यूज हो गए तो बेकार में अच्छा खासा सीखा हुआ चीज बेकार हो जाएगा। तो डिटेल से सीखो इसका क्यू बाय आर का रेशियो, हमें इसका पोटेंशियल डिफरेंस बता रहा है। तो जिसका क्यू बाय आर ज्यादा होगा उसका पोटेंशियल ज्यादा होगा, ठीक है ना। अब देखते हैं क्या कह रहा है, द एनर्जी ऑफ द सिस्टम विल रिमेन अनचेंज्ड। हमें नहीं पता भाई, क्योंकि हमें क्यू बाय आर के बारे में तुमने कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी। विल इंक्रीज हम ये भी नहीं कह सकते, विल ऑलवेज डिक्रीज हम ये भी नहीं कह सकते, विल ऑलवेज डिक्रीज एक्सेप्ट इन द कंडीशन क्यू वन बाय आर वन इक्वल्स टू क्यू टू बाय आर टू। अब समझना पड़ेगा चौथा ऑप्शन ये काम का है। तो अगर Q1 by R1 Q2 by R2 के बराबर होगा, दोनों का पोटेंशियल सेम होगा, चार्ज ना इधर से जाएगा ना उधर को आएगा, ठीक है ना, इस सिचुएशन के अंदर कोई एनर्जी का लॉस नहीं होगा। तो इस कंडीशन को छोड़ करके बाकी अगर कोई भी कंडीशन है, आइदर Q1 by R1 greater than Q2 by R2 या Q1 by R1 less than Q2 by R2, चार्ज हमेशा फ्लो करेगा। फ्लो करेगा तो एनर्जी लॉस होगी होगी इन द फॉर्म ऑफ हीट एनर्जी। हमारा आंसर डी इसमें पूरी तरीके से करेक्ट है। एक एक सवाल मजेदार है, फिर नेक्स्ट प्रॉब्लम पर आते हैं। पढ़ो, ये कह रहा है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज कनेक्टेड विद अ बैटरी हुज पोटेंशियल इज कांस्टेंट। इफ द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर आर शिफ्टेड अपार्ट देन द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है ना। तो ये कह रहा है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज कनेक्टेड विद अ बैटरी हुज पोटेंशियल इज कांस्टेंट, इफ द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर आर शिफ्टेड अपार्ट देन द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो बैटरी से कनेक्टेड कैपेसिटर है और हम प्लेट को दूर ले जा रहे हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा। देखो, कैपेसिटर अगर बैटरी से कनेक्टेड है तो पोटेंशियल कांस्टेंट है, प्लेट दूर ले जा रहे हो तो डी बढ़ेगा, सी का वैल्यू कम होगा, चार्ज का वैल्यू कम होगा, चार्ज कम होगा तो फील्ड कम होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगी, डिक्रीजेस एंड चार्ज ऑन द प्लेट आल्सो डिक्रीजेस, यानी ये वाला ऑप्शन तुम्हारा पहला ही करेक्ट मिल गया इसके अंदर। रिमेन्स कॉन्स्टेंट ये गलत है, रिमेन्स कॉन्स्टेंट ये भी गलत है, इंक्रीजेस ये भी गलत है। तो एक ही ऑप्शन इसके अंदर करेक्ट है, फील्ड भी डिक्रीज करेगी और चार्ज का वैल्यू भी डिक्रीज करेगा। चार्ज कहाँ से कहाँ की तरफ फ्लो करेगा, कैपेसिटर से बैटरी, और वापस याद आ रहा हूँ वर्क डन ऑन बैटरी होगा। खेल समझ आ गया। अब इस प्रॉब्लम को देखो, ये कह रहा है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इस चार्ज विद पोटेंशियल V, ठीक है ना, द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट इज D, द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट इज E, नाउ इफ द डिस्टेंस बिटवीन प्लेट इज इंक्रीज टू 2D देन द इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी। अब ये इसका न्यूमेरिकल वर्जन आ गया कि अगर कैपेसिटर बैटरी से कनेक्टेड है, पहले का सेपरेशन डी है, इलेक्ट्रिक फील्ड ई है, हमने 2D कर दिया, नहीं इलेक्ट्रिक फील्ड बता दो। चलो खेलते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला हो गया हमारा क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट ए, हम इसी से चलेंगे। क्यू की जगह आप डाल दो सी वी, ठीक है ना, बाय एप्सिलॉन नॉट ए। सी की जगह चाहिए तो आप डाल दो एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी, तो यही फॉर्मूला तैयार हो जाएगा वी बाय डी। अब जिससे मर्जी उससे कर लो। देखो कैपेसिटर बैटरी से कनेक्टेड है तो वी कांस्टेंट है, तो हम ये कह सकते हैं ई इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डी। तो पहले का सेपरेशन डी था, फील्ड ई थी, अब नया फील्ड ई डैश ले लो, नया सेपरेशन टू डी दे रखा है, तो आराम से आ गया। तो ई डैश का वैल्यू हमारा हो गया ई बाय टू, तो ऑप्शन हमारा बी करेक्ट हो गया। तो मेरे ख्याल से अब न्यूमेरिकल वर्जन भी आपको आराम से आ रहा होगा, अब टाइम नहीं लग रहा हमें। अब चलते हैं अगले पर। देखो अब ये पेटेंटेड सवाल है, थोड़ा सा लेवल ऊपर गया था, मैं थोड़ा सा नीचे लाता हूं ताकि फ्लो बना रहे, ठीक। आप सब बच्चे इसका आंसर दो फटाफट से, क्योंकि आपको आना चाहिए, मेरे पढ़ाने की जरूरत नहीं है। ये बोल रहा है 64 स्मॉल ड्रॉप्स ऑफ वाटर हुज चार्ज एंड रेडियस आर सेम आर जॉइंड टू मेक अ बिग ड्रॉप कैपेसिटी ऑफ द बिग ड्रॉप। तो जब चार्जेस को कोलिज करते हैं, सॉरी स्फेरिकल ड्रॉप को कोलिज करते हैं और एक बड़ी ड्रॉप बनाते हैं, तो वॉल्यूम कंजर्व होता है। तो 4/3 πr³ इक्वल्स टू एन टाइम्स 4/3 πr³। तो आर का वैल्यू आ गया एन की पावर 1/3 r। अब कैपेसिटेंस ऑफ बिग ड्रॉप वो हो गई 4πε₀ कैपिटल आर, कैपेसिटेंस ऑफ स्मॉल ड्रॉप वो हो गई 4πε₀ स्मॉल r, रेशियो लेंगे ये गया, ये हमारे पास आ गया n की पावर 1/3। तो मेरे ख्याल से खेल खत्म हो गया, नंबर ऑफ ड्रॉपलेट 64 है, पावर 1/3 4 हो गया। तो कैपेसिटेंस ऑफ बिग ड्रॉप 4 टाइम्स कैपेसिटेंस ऑफ स्मॉल ड्रॉप। तो हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है रेशियो कैपेसिटी ऑफ बिग इज टू स्मॉल, तो वो हमारे पास आ गया 4। तो सिंपल प्रॉब्लम था, ये भी बहुत काम का प्रॉब्लम है और इस प्रॉब्लम के रिपीट हो जाने का चांस बहुत ज्यादा है, ठीक है, कुछ नहीं बट ऐसा प्रॉब्लम आपके में आ सकता है, तो इसलिए इसको भी आप ही करो, ठीक है। मैं थोड़ा सा ब्रेक ले रहा हूं, ब्रेक में तब 1-2 सेकंड रोक रहा हूं, आप इतनी देर में आंसर निकालो, शुरू करो। तो ये कह रहा है द रेडियस ऑफ सर्कुलर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, क्या पंगा, ये पैरेलल प्लेट है बट प्लेट है सर्कुलर नेचर की है। तो डायग्राम ये रहा,
तो दो सर्कुलर प्लेट्स हैं, रेडियस इनका स्मॉल आर है, सेपरेशन डी है, पर पैरेलल प्लेट है। तो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला हो गया एप्सिलॉन नॉट ए यानी पाई आर स्क्वायर बाय डी। ओके, एंड एयर इज द डायलैक्ट्रिक मीडियम, तो डायलैक्ट्रिक मीडियम एयर है तो के की जगह हमारे पास बना जाएगा। इफ कैपेसिटी ऑफ दिस स्फेरिकल सॉरी इफ कैपेसिटी ऑफ दिस कैपेसिटर इज इक्वल टू स्फीयर ऑफ रेडियस आर, तो इसकी कैपेसिटी एक स्फीयर के कैपेसिटर के बराबर है, यानी इसकी वैल्यू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल आर के बराबर है। व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू फाइंड आउट सेपरेशन बिटवीन प्लेट। तो बहुत ही सिंपल सा प्रॉब्लम है ये, आई थिंक पाई एप्सिलॉन नॉट तो गया ना, और डी का वैल्यू हमारे पास आ गया स्मॉल आर स्क्वायर बाय 4 आर, तो दिस इज द सेपरेशन बिटवीन प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर। तो ऑप्शन के हिसाब से देखोगे आर स्क्वायर बाय 4 आर, ये ऑप्शन करेक्ट है। मेरे ख्याल से ज्यादातर बच्चों का आई गया ये वाला। नेक्स्ट प्रॉब्लम पर आते हैं। अब देखो, अब थोड़े थोड़े खतरनाक वाले प्रॉब्लम आने शुरू हो रहे हैं, कैलकुलेटर भी मैंने रखे हैं क्योंकि, और कैलकुलेशन से बचाने का रास्ता भी रखा है, तो हर चीज इसमें अवेलेबल है, ध्यान से सीखना। लास्ट में सीआर सर्किट है, जबरदस्त है सीआर सर्किट भी, मजे आएंगे आपको सीखने में। तो लेवल हमारा अब एक्सपोनेंशियली इंक्रीज कर रहा है, मजे आएंगे। देखो, अ कैपेसिटर ऑफ वैल्यू 4μF इज चार्ज एट 50 वोल्ट, मैं चाह रहा हूं इसको पहले आप करो, ठीक है ना। आप एक दो मिनट का टाइम, एक दो मिनट तो नहीं, एक मिनट का टाइम लो और कैलकुलेट करो, तब तक मैं भी कैलकुलेट करता हूं, फिर देखते हैं आंसर दोनों का कितना आता है। अ कैपेसिटर ऑफ वैल्यू 4μF, तो कैपेसिटर की वैल्यू 4μF ले रखी है। अच्छा, कॉपी जरूर लेकर के बैठो, ये छोटे छोटे, ये इतने इतने से चिट मत निकाल करके बैठो, उससे कोई फायदा नहीं है, ठीक है ना। घिचपिच करके लिखोगे फिर बिगाड़ करके फेंक दोगे, कोई फायदा नहीं है। बेटर एक कॉपी लेकर के बैठो और ईमानदारी से सॉल्व करो आंसर को, और स्टॉप वॉच भी लेकर के बैठो, देखो कितनी देर में आपका आंसर आ रहा है। मेरे को बताने की जरूरत नहीं है इतनी देर में आ रहा है, इससे कोई फायदा नहीं है, ठीक है ना। आप चेक कर लो, आप जज करो, मैं आपको जज नहीं कर रहा, आप खुद को जज करो कि आपका आंसर एक मिनट के अंदर आ पा रहा है या नहीं आ पा रहा, ठीक है ना। नहीं आ पा रहा तो उसको कोशिश करो एक बार वापस से प्रैक्टिस करके ग्रिप में लाने की। तो अब ये प्रॉब्लम कह रहा है कैपेसिटर ऑफ 4μF इज चार्ज टू 50 वोल्ट, तो इसका पोटेंशियल है 50 वोल्ट। ओके, इज कनेक्टेड विद अनदर कैपेसिटर ऑफ 2μF चार्ज एट 100 वोल्ट इन सच अ वे दैट द प्लेट ऑफ सिमिलर चार्जेस आर कनेक्टेड टुगेदर। तो हमने लाइक प्लेट को कनेक्ट किया, C2 का वैल्यू हमें दे रखा है 100 वोल्ट और V2 का वैल्यू हमें इसका दे रखा है, सॉरी C2 का वैल्यू दे रखा है 2μF और V2 का वैल्यू हमें दे रखा है 100 वोल्ट और हमने इसको कनेक्ट कर दिया लाइक प्लेट लाइक की तरफ। करना क्या है, बिफोर ज्वाइनिंग एंड आफ्टर ज्वाइनिंग द टोटल एनर्जी इन द मल्टीपल ऑफ, या टोटल एनर्जी निकालनी है, मतलब लॉस इन एनर्जी नहीं पूछा मैंने, खेल ही खत्म कर दिया आपका। जो बच्चे सोच रहे होंगे यार सर तो लॉस इन एनर्जी का फॉर्मूला लगाएंगे, मैं नहीं लगवा रहा, मैं आपसे इनिशियल एनर्जी और फाइनल एनर्जी पूछ रहा हूँ, वो भी अलग अलग पूछ रहा हूँ, इन पावर ऑफ 10^-2 जूल। आ जाओ कैलकुलेट करते हैं। तो पहले की एनर्जी तो निकालनी पड़ेगी, ये हो गया हाफ C1 विच इज 4, V1 स्क्वायर विच इज 50 का स्क्वायर, ठीक है ना, प्लस हाफ C2 विच इज 2 इंटू V2 स्क्वायर विच इज 100 स्क्वायर। अब आप देखो जरा इसके अंदर माइक्रोफैराड दोनों में कॉमन है, तो मैंने अलग से लेकर के 10^-6 बाहर लगा दिया। अच्छा, अब इसमें से 50 का स्क्वायर तो कॉमन हो जाएगा, बहुत आराम से कॉमन हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ से 50 का स्क्वायर आप बाहर निकाल लो, तो ये बचा हमारे पास 2 × 1 और ये आ गया हमारे पास 1 × 50, आप यहाँ से बाहर निकालोगे तो 2 का स्क्वायर, 50 का स्क्वायर बाहर चला गया 2500 × 10^-6, ठीक है। देखते हैं क्या बचता है हमारे पास, 2 × 4 = 6 × 2500 × 10^-6, अब ये आ जाएगा हमारे पास 150 × 10^-6, हमें चाहिए 10^-2 में, तो इसमें से 4 डेसिमल हटाने पड़ेंगे, 1, 2, 3, 4, यानी ये आ जाएगा 1.5 और × 10^-2 जूल। दिस इज द वैल्यू ऑफ इनिशियल एनर्जी, अब 1.5 आ रहा है, ठीक है ना। इनिशियल एनर्जी 1.5 तो भैया पहले में ही दिख रहा है, और कोई ऑप्शन में दिख नहीं रहा, तो मैं पागल हुआ हूँ जो मैं उसको आगे सॉल्व करूंगा, सीधे टिक मार देंगे, नमस्ते कर देंगे, चल देंगे, ठीक है ना। बट अभी आपके नमस्ते करने का टाइम नहीं आया, आपको कैलकुलेट करना है, U2 भी कैलकुलेट करना है। कैसे कैलकुलेट करोगे, U2 निकालने में पंगे हैं क्योंकि एक ही प्रॉब्लम आएगा ये गारंटी नहीं है ना। मान लो उसने U2 ही पूछ लिया होता, अब क्या करते, अब तो रो देते, नहीं सर हम तो नहीं करेंगे, हम तो चीटिंग हो गई हमारे साथ, ठीक है ना। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, आपको U2 भी निकालना चाहिए। कैसे निकालोगे, पहले आपको V निकालना पड़ेगा, है ना। तो V निकालने के लिए, कॉमन पोटेंशियल डिफरेंस निकालने के लिए C1V1 + C2V2 का फॉर्मूला यूज करो। तो ये हो गया C1V1 200, C2V2 इज ऑल्सो 200 बाय C1 + C2, C1 + C2 हो गया 6, तो ये हो गया 400/6, ठीक है ना, यानी 200/3 वोल्ट।
अब हम फाइनल पोटेंशियल एनर्जी निकालते हैं, क्योंकि दोनों का पोटेंशियल कॉमन है, सेम है, तो ये आ जाएगी हाफ सी वन प्लस सी टू इंटू वी स्क्वायर। ठीक है, तो हाफ सी वन प्लस सी टू हो गया 4 और 2 6 इंटू 10 की पावर -6 इंटू वी टू स्क्वायर हो गया 4 इंटू 10 की पावर 4, यानी इसका स्क्वायर कर रहा हूँ, -9। अब 10 की पावर -2 में आप इसको अरेंज कर लो, ये इधर आ जाएगा 2 3 2 6 3 3 9, तो 4/3, ठीक है ना, 4/3 1.33 हो गया इंटू 10^-2 जूल। दिस इज द वैल्यू ऑफ फाइनल पोटेंशियल एनर्जी। आंसर आप चेक कर सकते हो 1.5 और 1.33 है, बट एग्जाम में करते वक्त स्मार्टनेस दिखानी है, दोनों पोटेंशियल एनर्जी नहीं निकालनी, क्योंकि ऑप्शन के हिसाब से हम चेक कर लेंगे। आई थिंक समझ आ गया होगा। अब आ जाते हैं दूसरे प्रॉब्लम पर। तो दूसरा प्रॉब्लम हमारा ये कह रहा है, द प्लेट ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटी 50 μF आर चार्ज टू 100 वोल्ट एंड देन सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर्स। हाँ भाई, ये तो मजेदार है, इसको आप इंपॉर्टेंट लिखो, ठीक, कॉपी में इंपॉर्टेंट लिखो, हो सकता है सत्यवचन हो जाए और आपके एग्जाम में आ जाए एज इट इज, ठीक है ना। तो ये काफी जोरदार प्रॉब्लम है, मजेदार प्रॉब्लम है, अच्छे से सीखना। तो ये कह रहा है कैपेसिटर है जिसकी कैपेसिटी 50 μF है, डायग्राम बनाओ। तो ये कैपेसिटर है, कैपेसिटी 50 μF है, और एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी इस कैपेसिटी का जनरल फॉर्मूला है। ओके, इस चार्ज टू पोटेंशियल ऑफ 100 वोल्ट, और इसको हमने 100 वोल्ट के पोटेंशियल से चार्ज कर दिया था, ठीक है ना, एंड देन सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर सो दैट डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट इज डबल्ड। तो हमने क्या किया, बेसिकली कैपेसिटर को 100 वोल्ट से चार्ज किया। अब हमने उस आइसोलेटेड कैपेसिटर को चार्ज करने के बाद के कैपेसिटर के सेपरेशन को हमने बढ़ाना शुरू किया और डबल कर दिया। हाउ मच एनर्जी इज स्पेंट इन डूइंग सो, यानी हमें कितना वर्कडन या कितनी एनर्जी स्पेंड करनी पड़ेगी। तो देखो, तो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि चार्ज कांस्टेंट है इसलिए हम फॉर्मूला लगाएंगे हाफ क्यू स्क्वायर बाय सी, सी टू माइनस हाफ क्यू स्क्वायर बाय सी वन। सी का फॉर्मूला एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी हो गया, ठीक है ना, इसमें से पहले कॉमन चीज को बाहर लो, तो ये आ गया हाफ क्यू स्क्वायर, और सी टू की जगह आ गया एप्सिलॉन नॉट ए बाय 2d, तो एप्सिलॉन नॉट ए भी मैं बाहर ले ले रहा हूँ, अंदर बचा 2d-d, ठीक है ना, विच बिकम्स एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी, और एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी और कुछ नहीं, यही था। ऐसे करके इस रिजल्ट को डिराइव करते हैं, ठीक है ना। तो हमारे पास डेल्टा यू का वैल्यू आ गया हाफ। अब क्यू कैसे निकालोगे, सी वी करके निकाल लो, क्या फर्क पड़ता है। तो सी इंटू वी आपने किया तो 5000 माइक्रो कूलम आ गया, ठीक है ना, तो 5000 माइक्रो हो गया 10^-6, 3 बिंदी उड़ा दो, तो 5 × 10^-3 का होल स्क्वायर, ये हो गया हमारा क्यू स्क्वायर बाय सी। सी का वैल्यू हमारे पास 50 है, 50 × 10^-6। अब आई थिंक अब आप इसको सॉल्व कर लोगे और ये जो रिजल्ट हमारे पास आ जाएगा, ऊपर आ गया ये स्क्वायर होकर 25, 2 × 50, ये यहाँ से कैंसिल हुआ, -6 - 6 कैंसिल हुआ, 1/4 आ गया यार ये, तो 1/4 ही आ रहा है, कुछ और बच तो नहीं रहा इसके अंदर, 1/4 जूल, यानी ये आ रहा है 0.25 जूल, ठीक है ना। तो 25 × 10^-2, ठीक, मिल गया ऑप्शन, तो 25 × 10^-2 जूल की एनर्जी वेस्ट होगी, ठीक है ना, जब हम सेपरेशन को डी से 2d करेंगे, यानी ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट है, समझ आ गया। तो प्रॉब्लम भी जबरदस्त है, ऐसे प्रॉब्लम की प्रैक्टिस हुई एग्जाम में, फिजिक्स में नंबर पूरे में से पूरे आने के चांसेस मैक्सिमम हो जाएंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम पर, आ जाओ। देखो ये कह रहा है, टू कैपेसिटर C1 C2 आर कनेक्टेड इन सीरीज, ठीक है, आर कनेक्टेड इन पैरेलल टू थर्ड कैपेसिटर। तो पूरी कहानी वापस से पढ़नी पड़ेगी, दो कैपेसिटर हैं C1 C2 के जो कि सीरीज में है और कनेक्टेड है पैरेलल में टू थर्ड कैपेसिटर ऑफ CT। तो सर्किट के आ गया प्रॉब्लम, क्या करा है? मैं करूं या आप कर रहे हो, तो आपको मैं टाइम दे रहा हूं थोड़ी देर का, बनाओ डायग्राम फटाफट से, सॉल्व करो, आंसर बताओ, और मैं इधर काम कर रहा हूं। तो C1 C2 हमारे सीरीज में है और C3 के साथ ये पैरेलल में है। द अरेंजमेंट इज कनेक्टेड टू बैटरी ऑफ EMF 2 वोल्ट, 2 वोल्ट की हमने बैटरी लगा दी। ओके, हाउ मच एनर्जी इज लॉस्ट बाय द बैटरी इन चार्जिंग द कैपेसिटर, ठीक है ना, धोखा मत खाना यहाँ पे, बैटरी की वजह से कितनी एनर्जी लॉस होगी। तो होता क्या है, जब बैटरी से कैपेसिटर कनेक्ट होते हैं तो आधा पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर होता है, हाफ सी वी स्क्वायर के फॉर्म में, और आधा हीट एनर्जी के फॉर्म में लॉस होता है। तो हमें पता करना है एनर्जी लॉस्ट, तो हाफ सी वी स्क्वायर की एनर्जी इसमें लॉस हो जाएगी, तो पर उसके लिए हमें सी निकालना पड़ेगा। सी वन कितना है बेटा, 2, सी टू है 6, सी थ्री है हमारे पास 4। ओके, ये दोनों सीरीज में हो गए, तो सी वन सी टू बाय सी वन प्लस सी टू, तो 12 डिवाइडेड बाय 8 हो गया हमारे पास, ये आ गया हमारे पास किससे कट जाएगा, 4 से कट जाएगा, 4 3 3/2 आ गया, 1.5 आ गया,
तो ये रिजल्ट बन गया 1.5 और ये पैरेलल में 4, तो मैं डायरेक्ट कर लूंगा, तो ये हमारे पास आ जाएगा 5.5। तो सी इक्विवेलेंट का वैल्यू आ गया 5.5 माइक्रोफराड। पोटेंशियल हमें बताइए 2 वोल्ट है। एनर्जी लॉस, तो एनर्जी कितनी लॉस होगी ये हमें पूछ रहा है वो, तो एनर्जी लॉस की वैल्यू हो गई हाफ सी वी स्क्वायर, तो हाफ सी की जगह आ गया 5.5 माइक्रोफराड, तो 10^-6 एंड वी स्क्वायर का वैल्यू हो गया 4। तो ये रिजल्ट आ गया 2 और 5.5 का डबल करोगे तो 11 × 10^-6 जूल। अब किस टर्म में निकालनी है, यही निकालनी है भाई। तो ऑप्शन हमें सीधे सीधे मिल गया, बी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट प्रॉब्लम पर आते हैं। ये कह रहा है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस सी इज कनेक्टेड टू अ बैटरी एंड इज चार्ज टू अ पोटेंशियल डिफरेंस वी, और अंदर कैपेसिटर ऑफ 2C इज सिमिलरली चार्ज टू पोटेंशियल डिफरेंस 2V। तो कहानी इतनी सी है, ये C का है इसको V से चार्ज किया, ये 2C का है इसको 2V से चार्ज किया। ओके, द चार्जिंग बैटरीज आर नाउ डिसकनेक्टेड एंड द कैपेसिटर आर कनेक्टेड इन पैरेलल टू ईच अदर सच दैट पॉजिटिव ऑफ वन इज कनेक्टेड टू नेगेटिव ऑफ द अदर। तो पॉजिटिव को नेगेटिव से कनेक्ट करवा दिया। तो पूरे भरपूर प्रॉब्लम है आपके पास एनर्जी कंजर्वेशन के, मैंने छोड़े नहीं है इसके अंदर, ठीक है ना। एक एक प्रॉब्लम पर हम काम कर रहे हैं। अब करना क्या है, हमें पता करना है फाइनल एनर्जी ऑफ द कॉन्फ़िगरेशन। लॉस एंड एनर्जी नहीं पूछा, देखो आ गया ना। तो पिछले सवालों में मैंने क्या पूछा था, U1 और U2 बताओ, वहां तो आपका काम चल गया था क्योंकि आपने फट से U1 बताया, आंसर निकाल दिया। यहाँ U2 तो ये निकालना ही निकालना है, कैसे निकालोगे, सबसे पहले V निकालना पड़ेगा, C1V1 - C2V2। अब आप में से लोग पूछ सकते हो कि इसको सर पॉजिटिव क्यों लिया, तो जनरली क्या किया करो जिसका, और वैसे ही हमें मैग्नीट्यूड में आंसर देना होता है, ठीक है ना। एनर्जी जो भी लॉस हो रही है या जो एनर्जी बच रही है उसका मैग्नीट्यूड ही तो निकाल के देना है। तो जो जिसका सीवी ज़्यादा है उसको पॉजिटिव ले लो, जिसका सीवी कम है उसका नेगेटिव ले लो, कैलकुलेशन उससे पूरी परफेक्टली मैनेज रहती है। तो ये हो गया 4CV - CV, ठीक है ना, डिवाइडेड बाय C1 + C2 विच इज 3C। तो आंसर आ गया हमारे पास V। तो नेट पोटेंशियल या ऐसे बोला जाए फाइनल पोटेंशियल का वैल्यू V हो गया। नाउ व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू फाइंड आउट फाइनल पोटेंशियल एनर्जी। तो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी होगी हाफ C1 + C2 × V2। अब आप में से कई कहेंगे C1 + C2 क्यों लिया, अरे यार C1 + C2 कैपेसिटर तो फाइनल क्या होगा, दोनों फाइनली तब तक चार्ज इधर से उधर जाएगा जब तक दोनों सेम पोटेंशियल पे ना आ जाए। सेम पोटेंशियल पे आ गए तो चार्ज भी तो दोनों पे पॉजिटिव हो गए अब, ठीक है ना। ये थोड़ा था कि एक पॉजिटिव रहा एक नेगेटिव रहा, तो रिजल्टेंट आया C1 + C2 × V2। तो हाफ C1 + C2 हो गया 3C V2, तो 3/2 CV2। तो ऑप्शन हमारा बी करेक्ट हो गया। नेक्स्ट प्रॉब्लम पर आते हैं, आ जाओ भाई और मजेदार है खेल अब। तो अब हमारे सामने जो प्रॉब्लम है वो बेस्ड है सर्किट के ऊपर, ठीक है ना। सर्किट के प्रॉब्लम भी मैंने चुन चुन के रखे हैं, देखो, ठीक है ना। एक एक प्रॉब्लम सिलेक्टेड प्रॉब्लम है, मजेदार टाइप का प्रॉब्लम है, आपको सीखने में आपको लगाने में ऐसा नहीं लगेगा कि यार हम बहुत आसान चीज कर रहे हैं। हाँ आसान है बट पढ़ने के बाद, आ जाओ। अब ये पहला प्रॉब्लम मैंने क्यों रखा, क्योंकि ये किरचॉफ लॉ पर बेस्ड है। चांसेस हैं कि यार आ जाए आपके में किरचॉफ लॉ कैपेसिटर के अंदर, ठीक है ना। कभी कभी पूछा जाता है, पता नहीं कब सोते से जाग जाते हैं नीट वाले और अचानक से किरचॉफ लॉ का प्रॉब्लम दे मारते हैं। अब आप में से बहुत से बच्चों की बुक के अंदर इस तरीके का प्रॉब्लम बहुत कम होता है, तो जनरली वो लास्ट मोमेंट पे प्रैक्टिस नहीं करते, तो वो प्रैक्टिस की कमी की वजह से छूट जाता है। तो मैं नहीं चाह रहा आपका ये प्रॉब्लम छूटे, आप मेरे साथ इसको प्रैक्टिस करो। तो कहानी ये दे रखी है, हमें एक ब्रांच दे रखी है, VA - VB दे रखा है 5 वोल्ट। What we have to do, we have to find out potential on C1. हमें C1 पर potential निकालना है, और कैसे करेंगे, देखो capacitor होता है, resistor होता है, inductor होता है, procedure हमारा same रहता है। अब क्योंकि capacitor है, हम यहाँ से यहाँ की तरफ पहले charge भेजेंगे। आपको यहाँ से यहाँ क्यों, अरे यहाँ से यहाँ भेज लो यार, अपने घर से कुछ नहीं जा रहा। तो मान लो मैंने इधर से चार्ज रवाना किया, अगर ये रेजिस्टेंस लगे होते तो हम करंट भेज रहे होते, तो इधर आ गया प्लस क्यू, इधर आ गया माइनस क्यू, बैटरी से कोई मतलब नहीं, क्यू आगे बढ़ा, प्लस क्यू माइनस क्यू, ठीक है ना। अब पहले हमें क्यों निकालना पड़ेगा, ये निकालने के लिए VA - VB का कंसेप्ट यूज करो। तो VA - VB, तो आप A से B की तरफ चलो और जो भी रास्ते में पोटेंशियल मिलता चला जाए उसको लिखते चले जाओ। मेरा तरीका ये है, जो पहले मिलता है मैं वो साइन लिख लेता हूँ। तो पहला साइन है प्लस Q/1, अगला है -10, अगला है प्लस Q/2। VA - VB का वैल्यू मैं 5 दे रखा था, तो 10 और 5 = 15 हो गया, ये बन गया 3Q/2 = 15 एंड क्यू की वैल्यू हमारे पास आ गई 10 µC, ठीक है ना। तो ये हमें क्यू का यहाँ पर वैल्यू मिल गया। ओके, अब क्या करना है, हमें C1 का पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। तो पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ C1 ये हो गया Q/1, तो 10 µC / 1 µF विच इज इक्वल्स टू 10 वोल्ट। तो 10 वोल्ट इसका पोटेंशियल है, इसलिए ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट है। मुश्किल नहीं था, पर लास्ट मोमेंट पर करके जाना चाहिए था ये प्रॉब्लम। अगले प्रॉब्लम पर आओ,
ये प्रॉब्लम मैंने इसलिए रखा है क्योंकि जनरली मैंने डाउट सेशन में देखा था बच्चे इस प्रॉब्लम के अंदर छटपटाते घूम रहे थे, ठीक है। मेरे को लगा तो नहीं कि यार ये पूछने वाला प्रॉब्लम है, बट ठीक है, तो इस बहुत से बच्चों ने पूछा था, तो अगर ये एग्जाम में आ गया तो बहुत से बच्चे फंसेंगे, इसलिए ना फंसो, मैं इसको करा दे रहा हूँ। हमें क्या करना है, ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है। देखो बहुत सी चीज़ें वायर से कनेक्टेड है, जहाँ जहाँ वायर से कनेक्टेड होती है हम पॉइंट पोटेंशियल मेथड लगाते हैं, जैसा करंट इलेक्ट्रिसिटी में मैंने सिखाया हुआ है। तो ये पॉइंट ए है तो इसका पोटेंशियल ए हो जाएगा, इसका ए हो जाएगा, ये ए, ये ए, ये बी है तो ये बी, ये बी। अब इसका कुछ अलग से नाम डाल दिया बात। अब हम ए से बी के बीच में, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल के बीच में सर्किट को रीअरेंज करते हैं। तो एक तरफ ए लगाया, फिर वन लगाया, फिर बी लगाया। अब ये पे एक एक कैपेसिटर लगाओ, ये ए से वन के बीच में, तो वन म्यू एफ का कैपेसिटर ए से वन के बीच में आ गया, वन से बी के बीच में ये वन म्यू एफ आ गया, ठीक है। ये वाला टू म्यू एफ ए से बी के बीच में आ गया, तो अलग से जाना पड़ेगा, ए से बी के बीच में टू म्यू एफ लगाया हमने, ओके। अब लास्ट में ए से वन के बीच में फिर से वन, ए से वन के बीच में, तो यहां से यहां के बीच में हमें वन म्यू एफ लगाना पड़ा। अब सर्किट सिंप्लीफाई करते हैं, ये दोनों पैरेलल में हो गए तो ये बन गया टू, टू और वन सीरीज में हो गए, ठीक है, तो ये बन गया हमारा टू बाई थ्री, तो अल्टीमेटली आ गया टू बाई थ्री और पैरेलल में आ गया टू। तो सी वन सी, अच्छा दोनों क्योंकि पैरेलल में तो डायरेक्ट हम ऐड कर देंगे, तो सी इक्विवेलेंट का वैल्यू हमारे पास हो जाएगा ये प्लस ये, सिक्स सेवन एट, यानी आंसर आ गया एट बाई थ्री म्यू एफ। चेक कर लो, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। तो मेरे ख्याल से अब इसमें कोई चिल्लाएगा तो नहीं क्या, मैं नहीं आता, ये मैंने इसलिए करा दिया क्योंकि डाउट था बहुत बच्चों का। और देखते हैं, हाँ ये प्रॉब्लम अच्छा प्रॉब्लम है, ये भी ऐसा प्रॉब्लम है जो लास्ट मोमेंट पर छूट जाता है, स्टूडेंट्स को ध्यान नहीं रहता, पर वो रिवाइज करके जाने वाला प्रॉब्लम है। ऐसा प्रॉब्लम आपने मेरे से बल्ब में सीखा था, बल्ब में, ठीक, सही सुन रहे हो, जहां हम लोगों ने ये देखा था कौन सा बल्ब सीरीज के अंदर जो है वो बचेगा, कौन सा फ्यूज हो जाएगा, मैंने आपको इसी बार कराया था वो प्रॉब्लम। सेम एज इट इज कंसेप्ट पर ये प्रॉब्लम है, तीन कैपेसिटर है 2, 3, 5 के, इनके ब्रेकडाउन वोल्टेजेस है 3, 2 और 1। तो पहले का ब्रेकडाउन वोल्टेज है 3, ब्रेकडाउन मतलब यहां इससे ज्यादा कर दिया तो ये कैपेसिटर फिर पूरी तरीके से कंडक्टिंग हो जाएगा, ठीक है ना, कैपेसिटर का ब्रेकडाउन हो जाएगा। VB2 है हमारे पास 2 वोल्ट एंड VB3 है हमारे पास 1 वोल्ट। मजेदार प्रॉब्लम है भैया, ठीक है ना, पर जिसको आता है उसको आता है, ठीक है ना, वो तो फटाक से चल देगा करके इसको, बट आप सबको आना चाहिए ताकि एग्जाम में गलत ना हो ये प्रॉब्लम, ओके। अब हमें क्या पता करना है, हमें पता करना है कि कितना मैक्सिमम वोल्टेज ये विदस्टैंड कर सकते हैं विदाउट ब्रेकिंग डाउन। तरीका क्या है, देखो क्योंकि तीनों सीरीज में तो हम ब्रेकडाउन वोल्टेज से नहीं आइडेंटिफाई कर सकते, हम चार्ज से आइडेंटिफाई करेंगे, जैसा मैंने सीरीज वाले बल्ब के लिए सिखाया था। तो हम इसका ब्रेकडाउन चार्ज निकालेंगे, तो Q ब्रेकडाउन 1 C इंटू वी 6 माइक्रो कूलम, QB2 C इंटू वी 6 माइक्रो कूलम, QB3 5 माइक्रो कूलम। अब आप में से बहुत से ये सोच रहे हैं, अरे यार सीरीज में तो चार्ज सेम होता है, मैंने कब का नहीं होता है, ठीक है, मैं भी तो कह रहा हूं कि चार्ज सेम होता है। ये इनके ब्रेकडाउन चार्ज है कि भाई ये इतना विदस्टैंड कर सकता है, ये इतना विदस्टैंड कर सकता है, ये इतना। अब चलेगी किसकी, ठीक है ना, तो अब चलेगी उसकी जिसका चार्ज कम होगा, ठीक है ना, क्यों, क्योंकि इससे ज्यादा कर दिया तो ये तो बोल जाएगा बेचारा, बट ये दोनों अभी साबुत बचे रहेंगे। हमें चाहिए कि इनमें से कोई भी कैपेसिटर ब्रेकडाउन ना हो, तो इसलिए अब हमें पता चल गया कि इस पूरे ब्रांच का हम चार्ज 5 माइक्रोकूलम से ज्यादा नहीं कर सकते। कहानी समझ आ गई, तो लीस्ट ब्रेकडाउन चार्ज वाला डोमिनेट करेगा, उसके हिसाब से ब्रांच के अंदर का मैक्सिमम चार्ज डिसाइड हो जाएगा। वंस यू फाइंड आउट The value of charge in the circuit, अब हमारे लिए V निकालना आसान है, Q equals to CV से निकाल सकते हैं, C equivalent की value निकालते हैं, क्योंकि तीनों सीरीज में है तो हमें 1 by करना पड़ेगा, तो चलो यार कर लेते हैं, 1/2 + 1/3 + 1/5, ठीक। तो LCM हमारे पास आ रहा है, ये ले लिया मैंने, आई थिंक 30 ले लेते हैं, तो 15, 10 और 5, 6 या 30, ठीक है, तो ये रिजल्ट आ गया 15 और 10 25, 31/30 रेसिप्रोकेट करना पड़ेगा, तो सी इक्विवेलेंट हो गया 30/31 माइक्रो कूलम, ओके। बट हमें सी इक्विवेलेंट नहीं निकालना, हमें निकालना है नेट वोल्टेज, यहाँ बैटरी का वोल्टेज हम कितना रखे हैं, तो क्यू इक्वल्स टू लगाया हमने सीवी, क्यू हमें पता है 5 माइक्रो कूलम, सी हमने निकाल लिया 30/31 माइक्रो, ये फराड है, सॉरी फराड, टाइम्स वी, तो V का वैल्यू बेटा हमारे पास आ गया 31/6, 5, 6 या 30 वोल्ट,
इतना वोल्टेज बैटरी मैक्सिमम सप्लाई कर सकती है, इससे ज्यादा कर दिया तो इसकी बेचारी की बत्ती बुझ जाएगी और ये जो कैपेसिटर होगा कंडक्टिंग होना शुरू हो जाएगा। तो हमारा ऑप्शन आ गया 31/6 वोल्ट, ऑप्शन बी करेक्ट। समझ आ गया, गलत नहीं होना चाहिए, ध्यान रखना, ठीक है ना। चुन चुन के सवाल इसलिए करा रहा हूं ताकि आप एग्जाम में छोड़ करके ना हो, किसी भी वैरायटी का आपका सवाल है, हर वैरायटी आपको आनी चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट ईयर। अब हमें पता करना है इफेक्टिव कैपेसिटेंस बिटवीन पॉइंट पी एंड क्यू ऑफ द अरेंजमेंट शोन इन द फिगर, ठीक है ना। तो ये सवाल अब चिल्ला चिल्ला के अपनी स्कीम बता रहा है कि भाई पॉइंट पोटेंशियल लगा लो। इसके रखने के पीछे का लॉजिक ये है कि इसमें बहुत से बच्चे फंस जाते हैं। मैंने माना थोड़ा सा अपग्रेडेड लेवल है मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, बट ठीक है, अगर हम इतना करके जाएंगे तो आसान आएगा, तो हमें डर तो नहीं लगेगा, ठीक है ना। आ जाओ सीखते हैं। तो ये पॉइंट का पोटेंशियल पी हो गया, ये पी हो गया, आगे हम कहीं जा नहीं सकते क्योंकि दोनों जगह कैपेसिटर्स हैं। इसको वन कर लिया, ये वन हो गया, इसको टू कर लिया, ठीक है ना, ये टू हो गया। फिर अगला हमें थ्री करना पड़ेगा, ये हमारे लिए थ्री हो गया, ये क्यू हो गया, ये क्यू हो गया। अब इतने सारे पॉइंट्स देख करके ना थोड़ा सा हालत खराब होती है कि यार कैसे रीअरेंज करेंगे, बट थोड़ा सा पेशेंस रखो, जब इतना हो गया तो सवाल भी हो जाएगा। चेक करो बेटा, यहां से अगर हम आगे बढ़े तो हमें पी से वन भी जाना है, हमें पी से टू भी जाना है। तो जब एक ही पॉइंट से दो दो जगह रास्ता डाइवर्ट हो रहा हो तो ऐसे सिचुएशन के अंदर पूरे 99.9% चांसेस होते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज बनेगा। अब मैं दिखाता हूं कैसे। तो एक तरफ मैंने पी रखा, हमें वन भी जाना है, हमें टू भी जाना है। अगर हमने वन पहले लगा दिया टू नाराज हो जाएगा, टू पहले लगा दिया वन नाराज हो जाएगा, इसलिए किसी को नाराज नहीं करना, वन और टू को बिल्कुल ऊपर नीचे रखो, दोनों बिल्कुल संतुष्ट रहेंगे। अच्छा, फिर टू से थ्री आ गया, इधर वन से थ्री आ गया, तो दोनों से हमें इक्वल डिस्टेंस थ्री रखना है। थ्री के बाद हमारे पास क्यू आ गया। अब देखो पूरा स्ट्रक्चर यहाँ डिजाइन हो गया। अब एक एक कैपेसिटर फिट करते जाते हैं। ये कैपेसिटर पी से वन के बीच में, टू म्यू एफ। ये वाला कैपेसिटर पी से टू के बीच में, टू म्यू एफ। ओके, ये वाला कैपेसिटर, ये वाला वन से टू के बीच में, टू म्यू एफ। और ये वाला कैपेसिटर वन से थ्री के बीच में, दिस इज ऑल्सो टू म्यू एफ। और कौन सा बच गया? अब ये वाला बच गया टू से थ्री के बीच में, दिस इज टू म्यू एफ। एंड लास्ट ये थ्री से क्यू के बीच में दो कैपेसिटर है, वन वन के, ठीक है। तो आई थिंक बुरा नहीं था, अच्छा सवाल था, इतना कठिन नहीं था, एक झटके में सवाल सॉल्व हो गया अगर हमें कंसेप्ट आता है तो। अब चेक करो, ये तो यार व्हीटस्टोन ब्रिज है तो इसकी तो गया ये सीरीज, सीरीज पैरेलल, ये हो गया हमारे पास, दोनों सीरीज में हो गए तो ये हो गया वन, ये दोनों सीरीज में हो गए तो ये हो गया वन, पैरेलल में हो गए तो टू, तो ये बन गया हमारा टू। सिमिलरली आगे भी हमारे पास टू आ गया, टू और टू दोनों सीरीज में, फाइनल आंसर आ गया वन म्यू एफ। तो चेक कर लो, इसका आंसर हमारा आ रहा है वन म्यू एफ, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट, ठीक है ना। नेक्स्ट, बिल्कुल जो आप प्रॉब्लम देख रहे हो ये है प्लेट पोटेंशियल, ठीक है ना। प्लेट पोटेंशियल मैंने आपको फेज वन में भी कराया था, इसलिए कुछ नया डिफरेंट प्रॉब्लम रखने के लिए मैंने फेज टू में थोड़ा सा ज्यादा अच्छा प्रॉब्लम ले लिया है। इसमें मैं क्या क्या दे रखा है, कैपेसिटर इज प्रिपेयर्ड बाय इंटरलॉकिंग द प्लेट अकॉर्डिंग टू द फिगर, द डिस्टेंस बिटवीन द टू प्लेट इज 0.5 सेंटीमीटर एंड द इफेक्टिव एरिया ऑफ ओवरलैप इज 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखो, अब मैं ये चाहता हूं कि ये प्रॉब्लम आप करो, क्योंकि आप में से कितने मेरे से पढ़ रहे हैं, कितने अलग अलग जगह पढ़ रहे हैं, पर जो जहां भी पढ़ रहा है फिजिक्स तो पढ़ ही रहा है, तो आप सबको ये प्लेट पोटेंशियल तो जरूर आना चाहिए। मेरे बताने से पहले आप इसको एक बार कैलकुलेट करो, अगर गलत हो तो डिमोरलाइज नहीं होना, बस यहां से ये सीख लेनी है कि यार अभी हमें और सीखने की जरूरत है, लास्ट मोमेंट पे मैं आपको सिखा ही रहा हूं, आप इसको अच्छे से सीख लो, आपका प्लेट पोटेंशियल आसान आता है। ये मैंने थोड़ा सा मुश्किल लिया है ताकि आपको और अच्छा सिखा पाऊं, तो आपका एग्जाम में गलत तो नहीं होगा। प्लेट पोटेंशियल का तरीका ये होता है कि जितनी भी प्लेटें हैं सबको एक बार आंख बंद करके नंबर डाल दो, 1 2 3 4 5 6 7। अब चेक करो कितने कैपेसिटर बने, एक, ये 2 3 4 5 6, मतलब जितनी प्लेट्स होंगी उससे एक कम कैपेसिटर बनेंगे, सबको लाइन से लगा दो। तो 6 कैपेसिटर लाइन से लगा देते हैं, 1 2 3 4 5 6, और नंबरिंग वापस से कर लेते हैं, 3 4, 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6, और खत्म उस पे ही होना चाहिए जितने पे हमने लिया था। हर कैपेसिटर के बीच का डिस्टेंस सेम है, प्लेट एरिया सेम है, कैपेसिटेंस सेम होगी, फॉर द टाइमिंग सी ले लेंगे। ओके, अब जो जो प्लेट्स आपस में कनेक्टेड है उनको कनेक्ट करते हैं। तो चेक करो बेटा, ध्यान से देखना, 2 4 और 6, ये तीन प्लेट्स आपस में कनेक्टेड है और इनका नाम ए है। 2 पकड़ो, 4 पकड़ो,
सिक्स पकड़ो और इनका नाम ए कर दो, तो इनका नाम ए है तो ये भी ए हो गया, ये भी ए हो गया, ये भी ए हो गया, राइट। अब चेक करो दूसरी तरफ, ये प्लेट फर्स्ट वाली, थर्ड वाली, फिफ्थ वाली, सेवन वाली, 1, 3, 5, 7 ये आपस में कनेक्टेड है और इनका नाम बी है, तो ये बी है, तो ये सब बी हो गए। अब सवाल छूमंतर, चेक करो ये कैपेसिटर ए से बी के बीच में, ये कैपेसिटर ए से बी, ये कैपेसिटर ए से बी, हर कैपेसिटर ए से बी के बीच में सारे पैरेलल में हो गए, तो सी इक्विवेलेंट हो गया, कितने हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6 के 6 पैरेलल में, 6C, तो 6 एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी, 8.8 5 लगा लो या इतना ही रहने दो काम चल जाएगा, 10^-12 8.8 की जगह यार 9 ले लो, हमें क्या मतलब, थोड़ा बहुत दाएं बाएं आएगा, आजू बाजू आएगा, काम चला लेंगे हम उसमें, तो मैं तो 9 ले लेता हूं, 10^-12 एरिया कितना दे रखा है इसका 6 cm², तो 6 × 10^-4 सेपरेशन हमें दे रखा है इसका 0.5 cm, तो 1/2 × 10^-2 ठीक है ना, देखें कितना आया, ये हो गया 6, 6, 36 × 9 तो ये 36 × 9, 6, 9 = 54, 9, 3 = 27, 7, 5, 12 तो 324, अच्छा एक 2 भी तो था, हाँ तो अभी थोड़ा सा मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये आ गया 12 और 72 into 9 और 10^-12 तो अलग रहने दो, 10^-2 आंसर पिको फराड में कर दो, ठीक। देखते हैं मल्टीप्लाई करने पे क्या मिलता है, 9 × 18 और 9 × 7 = 63, 64 × 10^-2 पिको फराड, 2 बिंदी इधर खसकाओ, 6.48 पिको फराड इज द फाइनल आंसर, चेक करते हैं, ठीक है काम तो चल गया, 6.48 ठीक है, अपनी कौन सी उससे दोस्ती थी, 48 की जगह 36 मिल गया, पर हमारा कैलकुलेशन तो आसान हो गया, अब वहाँ 8.85 लेते जिंदगी अपनी खराब करते, ठीक है ना, मल्टीप्लाई करते रहते और ऊपर से गलत और हो जाता तो लेने के देने पड़ जाते, तो 8.85 को रफा दफा करो, 9 ले लो, काम चला लो, ठीक है ना, नियर बाय में आंसर मिल जाएगा, आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम पर आते हैं, देखो भाई इनफाइनाइट लैडर आ गई, मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि लैडर कैपेसिटर के अंदर भी मैं बताऊंगा, रेजिस्टेंस के अंदर तो सुपर ट्रिक पता, तीनों को जोड़ दो उससे कम होगा, कैपेसिटर के अंदर सुनो, ठीक है ना, ये थोड़ी सी अलग ट्रिक है, ध्यान से सुनना, ये आज के लेक्चर की सुपर ट्रिक है, इस कैपेसिटर के लैडर के अंदर कोई आपको क्वाड्रेटिक की जरूरत नहीं, कोई आपको मेरे C1 C2 वाले फॉर्मूले की जरूरत नहीं, छोटी सी ट्रिक आपका काम चल जाएगा, सुपर ट्रिक है, ठीक, सारे बच्चे ध्यान से सुनना, अच्छा जो कर रहे हैं वो करो जरा, ठीक है ना, अब आप में से कहेंगे नहीं सर बता दो यार जल्दी बता दो, तो सुनो सुपर ट्रिक किसकी है, ये जो पूरी ब्रांच है, ठीक है, ये इस कैपेसिटर के पैरेलल है, तो आपको गया ऐसा तो रेजिस्टेंस में भी था, तो मैं यहां पे भी वही है, यहां कुछ नया नहीं है, पैरेलल में होने से ये वैल्यू बढ़ जाएगी, ठीक है, तो इसकी वैल्यू सी से थोड़ी सी ज्यादा होगी, कुछ भी एक अपनी तरफ से ले लो, ठीक है ना, ये सी है, ये सी से थोड़ा सा ज्यादा होगा, कितना थोड़ा सा मेरे को भी नहीं पता, कुछ भी ले लेते हैं 1.5 सी ले लेते हैं, ठीक। अब ध्यान से सुनना, खेल अब है, ये दोनों सीरीज में, ठीक है, सीरीज में रेजिस्टेंस हो या कैपेसिटेंस, नहीं रेजिस्टेंस नहीं, सीरीज में कैपेसिटेंस क्योंकि 1/2 करके ऐड होता है और पैरेलल में रेजिस्टेंस 1/2 करके ऐड होता है, तो सीरीज में कैपेसिटेंस है, तो सीरीज की खासियत ये होती है कि जब हम सीरीज कॉम्बिनेशन सिंप्लीफाई करते हैं तो आंसर छोटे से छोटा आता है, ठीक, क्या बोला मैंने, छोटे से छोटा आता है, तो फर्क नहीं पड़ता इससे क्योंकि ये तो सी से बड़ा हो गया, तो आंसर जो होगा वो सी से छोटा आएगा, यानी इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस लेस देन सी आएगा, समझ आ गया, ना मैंने क्वाड्रेटिक बनाई, ना मैंने कुछ किया, मैंने जुगाड़ लगा दिया, तो आंसर सी से छोटा आएगा, चेक कर लो, एक ही आंसर, टिक मारो, नमस्ते करो, चलो, समझ आ गई कहानी, तो क्या होता है, ये पूरी लैडर जब इसके साथ कनेक्ट होती है पैरेलल में तो इसकी वैल्यू को बढ़ा देती है। अब हम चेक करते हैं इसके साथ वाले भाई बंधु कैसे हैं, मान लो इधर एक और लगा हुआ होता, चलो लगा लेते हैं, ठीक है ना, अब क्या होता, देखो इसमें तो हमें डाउट है क्योंकि ये तो बड़ा होगा, कितना बड़ा होगा हमें नहीं पता, हमने तो अपनी तरफ से ले लिया था, इन दोनों को पहले निपटारा कर लो, सी और सी दोनों सीरीज में है तो ये सी बाय टू हो गया, ठीक है ना, सी बाय टू हो गया मतलब 0.5 सी हो गया और ये 1.5 सी हो गया,
ये मैं एक और सवाल आपको चलते चलते बता दे रहा हूँ ताकि आप वहां पर गड़बड़ाओ नहीं। अब जब आप इनको सॉल्व करोगे तो आंसर 0.5 से भी छोटा आएगा, तो चेक कर लो 0.5 से छोटा कौन सा, टिक मारो आगे बढ़ो। अगर एग्जामिनर ने आपके साथ गेम खेल दिया, या ऐसे बोला जाए अगर आपकी किस्मत ने आपके साथ गेम खेल दिया, आपने बहुत पाप किए हुए हैं, आपकी किस्मत आखिरी टाइम पर आपके काम में नहीं आई, ठीक है ना, वैसे ऐसा होगा तो नहीं पर कईयों के साथ हो जाता है, तो अगर ऐसा हो गया तो फिर भाई सी से कम दो ऑप्शन मिल गए, फिर तो आपको क्वाड्रेटिक ही बनानी पड़ेगी, नहीं तो मेरा वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा लंबा वाला, तब आपका ये प्रॉब्लम सॉल्व होगा, बट ऐसा होता नहीं है, ठीक है ना, रेयरेस्ट ऑफ द रेयर चांस हो कि ऐसा हो जाए, अदरवाइज इससे काम चल जाता है। तो मेरे ख्याल से मजा तो आ गया होगा, तो इस सुपर ट्रिक को अच्छी तरीके से ठंडे दिमाग से दो तीन और लैडर्स के अंदर लगा के देख लेना, मैंने प्रैक्टिस शीट के अंदर भी रखी हुई है, उससे सॉल्व करके देख लेना और आंसर पूरा निकलने पर सेटिस्फाई होना, ठीक है ना। चलते हैं आगे, देखो ये प्रॉब्लम हर मॉड्यूल के अंदर है, हर जगह पर है, तो एक बार इसको मैं सिंप्लीफाई करके आपको दिखा देता हूँ। यहाँ आप देख रहे हो बहुत सारी ब्रांचेस आपस में पैरेलल में है, ठीक है ना, ये सी हो गया, ये सी बाय टू हो गया, ये सी बाय फोर हो गया, ये सी बाय एट हो गया, एंड अप टू सो ऑन इन्फिनिटी तक है। तो हमें इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालनी है, तो सी इक्विवेलेंट का वैल्यू हो गया हमारा, ठीक है ना, सी प्लस सी बाय टू प्लस सी बाय फोर एंड अप टू सो ऑन। तो ये कुछ खास नहीं है, जीपी बन गई, और इसका सम का फॉर्मूला ए अपॉन वन माइनस आर, ए हो गया वन, वन माइनस आर हो गया वन बाई टू, तो रिजल्ट हमारे पास आ गया टू सी, सी की वैल्यू में वन माइक्रोफराड दे रखी है, तो आंसर आ गया टू म्यू एफ। तो ये भी चलते चलते बच्चों वाला प्रॉब्लम था, बताना जरूरी था, इसलिए मैंने इसको खत्म कर दिया। आई थिंक इतने तक आराम से आपको समझ आ गया होगा। अब चलते हैं आगे, तो अब देखते हैं हम लोग डायलैक्ट्रिक का कंसेप्ट, ठीक है ना, ये भी बड़ा जोरदार है सवाल, बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग, इसके मजे आएंगे हमें लगाने में, ठीक है ना। चलो आ जाओ, पहले कंसेप्ट सीखते हैं। तो करना ये, हमारे पास एक कैपेसिटर है, ठीक है ना, पहले थ्योरेटिकल देखेंगे, कैपेसिटर है, बैटरी से कनेक्ट किया पूरा, इसको भरपूर चार्ज किया, अब हम इसमें डायलैक्ट्रिक इंट्रोड्यूस करने जा रहे हैं। यहाँ दो खेल होते हैं, या तो बैटरी डिस्कनेक्ट कर दी या बैटरी कनेक्टेड रखी। पहले केस में बैटरी डिस्कनेक्ट कर दी, अब हमने डायलैक्ट्रिक इंसर्ट किया, डायलैक्ट्रिक इंसर्ट करेंगे कैपेसिटी बढ़ेगी, क्योंकि बैटरी डिस्कनेक्टेड है चार्ज कॉन्स्टेंट रहेगा, गेम शुरू हो गया, तो कैपेसिटी बढ़ गई, चार्ज कांस्टेंट रहा, पोटेंशियल डिफरेंस देखोगे तो Q इज इक्वल टू सीवी से वो डिक्रीज कर जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस डिक्रीज कर रहा है तो फील्ड डिक्रीज कर जाएगी। पोटेंशियल एनर्जी निकालने के लिए कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, हाफ क्यू स्क्वायर बाय सी, क्योंकि सी का वैल्यू बढ़ गया, ठीक है ना, तो इसलिए पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पर के से रिड्यूस हो जाएगी, सी बढ़ जाएगा तो पोटेंशियल एनर्जी कम हो जाएगी। तो खेल ये कि अगर कैपेसिटर बैटरी से डिसकनेक्टेड होता है, फुली चार्ज कैपेसिटर, और डायलैक्ट्रिक रिड्यूस करते हैं, कैपेसिटी बढ़ती है, ठीक है ना, कैपेसिटी बढ़ती है, उसके बाद चार्ज कांस्टेंट रहता है, बाकी सब चीज़ डिक्रीज होती है, पोटेंशियल डिक्रीज, फील्ड डिक्रीज और पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज। सिमिलरली अगर बैटरी डिसकनेक्टेड की जगह कनेक्टेड रहे और हम डायलैक्ट्रिक इंट्रोड्यूस करें, अब क्या होगा, कैपेसिटी तो देखो बढ़नी बढ़नी है, उसका कोई पंगा ही नहीं है कि वो बैटरी कनेक्टेड है या डिसकनेक्टेड है, वो तो हमेशा केस ही होगा। पोटेंशियल अब कांस्टेंट हो जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि बैटरी कनेक्टेड है। अब चार्ज का क्या होगा, Q इज इक्वल टू सी वी से चेक करोगे तो Q प्रोपोर्शनल टू सी हो गया, कैपेसिटी बढ़ गई तो चार्ज बढ़ गया, ठीक है ना, तो चार्ज बढ़ा, पोटेंशियल कांस्टेंट है, फील्ड कांस्टेंट है, पोटेंशियल एनर्जी यहां पर इंक्रीज कर गई। तो जब बैटरी से कनेक्टेड कैपेसिटर में डायलैक्ट्रिक डालते हैं तो पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज कर जाती है, और डिसकनेक्टेड वाले में डालते हैं तो पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज कर जाती है। तो इस पे बनते हैं हमारे भरपूर थ्योरी बेस्ड प्रॉब्लम, आज अब सीखते हैं। बट उससे पहले स्टैकिंग ऑफ डायलैक्ट्रिक भी बताई दूं आपको, ये मैंने लास्ट ईयर भी बताया था आपको, इस साल भी बता दे रहा हूं। अगर हम डायलैक्ट्रिक को ऐसे स्टैक करते हैं कि ये कैपेसिटर के प्लेट के बीच के सेपरेशन को डिवाइड करता है, तो मेरा सजेशन ये है कि इसको काटो मत, ठीक है ना, मेरा हमेशा सजेशन है के इक्विवेलेंट निकाल लो। के इक्विवेलेंट निकालने का तरीका हो गया सिग्मा टी बाई के, सिग्मा टी मतलब सबका समेशन करोगे तो टोटल डिस्टेंस आ जाएगा, और हर किसी का टी बाई के आप कर लो तो यहाँ से के इक्विवेलेंट आ जाएगा। सी इक्विवेलेंट निकालने के लिए के इक्विवेलेंट सी एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी हम लोग यूज कर लेंगे। सिमिलरली अगर हमने कैपेसिटर में डायलैक्ट्रिक ऐसे स्टैक कर रखे हैं कि वो एरिया को डिवाइड कर रहे हैं, तो अब ये सारे के सारे पैरेलल में कटेंगे और के इक्विवेलेंट निकालने का तरीका हो जाएगा सिग्मा के ए बाय सिग्मा ए, ठीक है ना, सिग्मा ए जोड़ने पर टोटल एरिया को जनरेट कर देगा। तो इन दो तरीके से हम के इक्विवेलेंट निकालेंगे, फिर सी इक्विवेलेंट हमारे लिए बाएं हाथ का काम होगा। अब हम चलते हैं प्रॉब्लम की तरफ, तो भाई जोरदार प्रॉब्लम है, ठीक है ना, मजे आएंगे इनमें, आ जाओ। पहले मैं आपको टाइम दे रहा हूँ, पहला प्रॉब्लम ही करो, यही बड़ा इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है, और इसके इस तरीके के मतलब आपके पास्ट प्रीवियस ईयर को अगर मैं देखूँ तो दो तीन तरीके के प्रॉब्लम इस तरीके के फंसे हुए हैं, तो इसलिए मैंने इसको यहाँ सिलेक्ट करके डाला है। ये कह रहा है टू पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ऑफ वैल्यू सी एंड टू सी आर कनेक्टेड इन पैरेलल, तो जैसा कह रहा है हम वैसा करते जा रहे हैं। ये दोनों पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हैं सी और टू सी के, ये पैरेलल में कनेक्टेड है और इनको वी की बैटरी से चार्ज किया, ओके।
इफ नाउ चार्जिंग बैटरी इज डिस्कनेक्टेड, अब हमने चार्जिंग बैटरी को डिस्कनेक्ट कर दिया तो चार्ज कॉन्स्टेंट हो जाएगा। पहले हम सी इक्विवेलेंट लिख लेते हैं, सी इक्विवेलेंट की वैल्यू हो गई 3C, चार्ज की वैल्यू लिख लेते हैं ये हो गई 3CV। अब ये चार्ज क्योंकि बैटरी डिस्कनेक्ट कर दी है तो दिस चार्ज नाउ बिकम्स कॉन्स्टेंट। अब आगे की कहानी पढ़ो। नाउ डायलैक्ट्रिक K इज इंट्रोड्यूस बिटवीन कैपेसिटर ऑफ वैल्यू C, देन द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कैपेसिटर विल नाउ बिकम, है ना, गजब प्रॉब्लम। तो अब क्या किया हमने, इनमें से बैटरी हटाने के बाद हमने इनमें एक कैपेसिटर के अक्रॉस, मैं इधर कर रहा हूं, डायलैक्ट्रिक इंट्रोड्यूस कर दिया, तो इसमें हमने डायलैक्ट्रिक डाल दिया। ऐसा करने से इसकी कैपेसिटी कैसी हो जाएगी, दूसरा वाला एज इट इज रहेगा। अब टोटल चार्ज तो कंजर्व्ड ही है, जितना पहले उतना बाद में रहेगा क्योंकि बैटरी डिस्कनेक्टेड है। तो अब हम क्या करते हैं, हमें निकालना नया पोटेंशियल, नया पोटेंशियल वी डैश ले लो, ठीक है ना। तो पहले हम इन दोनों को पैरेलल में सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो ये बन गया KC प्लस 2C, यानी C इक्विवेलेंट की वैल्यू हो गई K प्लस 2 टाइम C, ठीक है ना। और फाइनल चार्ज की वैल्यू हो गई C इक्विवेलेंट इनटू V डैश, C इक्विवेलेंट की वैल्यू हो गई, आप इसको दूसरे तरीके से भी कर सकते हो, C1 V1 वाले तरीके से भी कर सकते हो, वो भी चॉइस आपके पास है, दोनों से आंसर सेम आएंगे, बल्कि लग तो वही रहा है, चार्ज कंजर्वेशन ही लगा रहा हूं मैं यहां पे। C इक्विवेलेंट की वैल्यू हो गई K प्लस 2 इनटू C टाइम्स V डैश। इनिशियल और फाइनल चार्ज को इक्वेट कर देते हैं, तो 3CV इक्वल्स टू K प्लस 2 C V डैश, यहाँ से V डैश की वैल्यू आ गई, CC कैंसिल हो गया, 3V बाई K प्लस 2। अब चेक करो 3V बाई K प्लस 2 कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर C हमारा करेक्ट हो गया। नेक्स्ट प्रॉब्लम पर आते हैं, ये थ्योरी बेस्ड प्रॉब्लम है, इसमें हमें ज्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए। ये बोल रहा है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज कनेक्टेड टू अ बैटरी, ओके, द क्वांटिटी चार्ज वोल्टेज इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एनर्जी एसोसिएटेड, तो सभी पूछ डाला एक में, आर इतना इतना। अ डायलैक्ट्रिक स्लैब इज नाउ इंट्रोड्यूस टू फिल द स्पेस बिटवीन द प्लेट विद बैटरी स्टिल इन कनेक्शन। अब रिवाइज करो कंसेप्ट, बैटरी कनेक्टेड है, आप डायलैक्ट्रिक डाल रहे हो, कैपेसिटी बढ़ेगी, ठीक है ना, कैपेसिटी बढ़ेगी, चार्ज बढ़ेगा, पोटेंशियल कॉन्स्टेंट रहेगा, फील्ड कॉन्स्टेंट रहेगा, पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगा। लिख लो, कैपेसिटी इंक्रीज करेगी, चार्ज इंक्रीज करेगा, पोटेंशियल फील्ड कॉन्स्टेंट रहेगा, पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज करेगा। अब आप ऑप्शन पे आ जाओ, तो चार्ज इंक्रीज करेगा, ये ऑप्शन ठीक है, पोटेंशियल इंक्रीज करेगा, ये ऑप्शन गलत है, फील्ड इंक्रीज करेगा, ये ऑप्शन गलत है, पोटेंशियल एनर्जी कम होगी, ये ऑप्शन गलत है। मिल गया ना राइट आंसर, तो ये ऑप्शन हमारा करेक्ट है। अगर यही चीज बैटरी डिस्कनेक्टेड होती तो आई थिंक फिर अब आप अपने आप डिसाइड कर सकते हो क्या ऑप्शन आपका रहना चाहिए। तो मेरे ख्याल से समझ आ गया होगा कंसेप्चुअल, अब गलती नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट, अब ये न्यूमेरिकल रखा हुआ है, देखते ही पता चल रहा है स्टैकिंग ऑफ डायलैक्ट्रिक का प्रॉब्लम मैंने रखा है, पर इस प्रॉब्लम के अंदर एक झोल है, वो ये है कि इसकी के की वैल्यू इतनी गंदी है ना कि कैलकुलेशन में आपको नानी याद आएगी। इसके लिए हम कुछ ना कुछ टूल यूज करेंगे, ठीक है ना, रिड्यूस करने का कैलकुलेशन, जैसे वहां था 8.85 को 9 ले लिया था हमने, तो उससे कैलकुलेशन रिड्यूस हो गई। यहां पर देखते हैं, फिलहाल पहले ये जो स्ट्रक्चर है ना, इसको थोड़ा सा ऐसे घुमा करके देखते हैं ताकि थोड़ा सही इसका ऑब्जर्वेशन मिले। तो ये वाला पार्ट K1 से भरा हुआ है, K1 का वैल्यू बच्चे हमारे पास 4.9 है। अब ये जो दो पार्ट है 5.6 और 2.1 के, अब सबसे पहले हमेशा जब भी कैपेसिटर काटते हैं ना तो हम इस तरीके से कटिंग करते हैं, पैरेलल में कटिंग करते हैं, उसके बाद सीरीज में डिवाइड करते हैं। तो ये दोनों तो सीरीज में हो गए, तो पहले हम इन दोनों का K इक्विवेलेंट निकाल लेते हैं। तो K2 3 इक्विवेलेंट कैसे निकालेंगे, सीरीज के लिए सिग्मा टी बाय सिग्मा टी बाय के। तो K2 3 इक्विवेलेंट सिग्मा टी हो गया यहां इसके और इसके टी का सम, तो वो हो जाएगा हमारा 2 times t। मैं इसकी ओवरऑल डिस्टेंस हमें दे ही रखा है क्या, हाँ 2 mm दे रखा है, तो ये 1 mm हो गया। ये 1 mm भी हम क्यों ले यार, इसको ज्यादा बढ़िया है कि TT ले लेते हैं, या D/2 D/2 ले लो, ठीक है ना, D को बाद में निपटा देंगे। तो K2 3 इक्विवेलेंट हो गया सिग्मा टी, मतलब ये आ गया D, और सिग्मा टी बाय के यानी D/2 5.6 प्लस D/2 2.1। अब देखो D से D तो कैंसिल हुआ, 2 को ऊपर रवाना करो, ऊपर आ गया 5.6 2.1 इंटू 2, नीचे बचा 5.6 प्लस 2.1, ये बचा हमारे पास 7.7। अब कैंसिल करते हैं, 7 3 21 और ये आ गया 1.1, ठीक। तो फाइनली हमारे पास बच रहा है 5.6 इंटू 2 इंटू 3 बाय 11। अब ध्यान देना,
यहाँ पर बहुत सारे पंगे हो गए। ये तकरीबन तकरीबन 11.5 या 55 होता है, अपन इसको 5 से काट देते हैं तो ये आ जाएगा इधर 0.5। तो ये बस हम थोड़ा सा अप्रोक्सीमेशन में खेल रहे हैं। तो 5 × 2 = 10 1 हो गया, ये हमारे पास 3 आ गया। तो K2 3 इक्वलेंट का वैल्यू हमारे पास 3 आ गया, ठीक है ना। तो कैलकुलेशन थोड़ी सी रिड्यूस कर ली यहाँ पर। अब क्या सीन है, अब ये दोनों पैरेलल में, इसको आप तकरीबन 5 ले लो, ठीक है ना। तो K1 की वैल्यू को हम 5 ले लेते हैं। तो अब सीन ये है कि K1 जो कि हम नियरली 5 ले रहे हैं और K2 जिसको हम 3 ले रहे हैं, ये दोनों आपस में पैरेलल में है। तो K2 3 इक्वलेंट और 1 आपस में पैरेलल है। तो फाइनल K इक्वलेंट के निकालने के लिए हमारा फॉर्मूला हो गया सिग्मा के बाय सिग्मा ए। इतनी प्लेट का एरिया a/2, इतने का भी एरिया a/2। तो सिग्मा के हमारे पास आ गया 5 × a/2 + 3 × a/2 डिवाइडेड बाय टोटल एरिया ए। तो 5 × 3 = 8/2 यानी 4 आ गया। तो हमारे पास के इक्वलेंट का वैल्यू 4 आ गया। तो सी इक्वलेंट हमें निकालना था, तो के इक्वलेंट ε0 a/d लो, के इक्वलेंट की जगह 4, ये आ जाएगा 9 × 10^-12। एरिया हमें कितना दे रखा है, एरिया का वैल्यू 1 square centimeter यानी 10^-4 आ गया। डी हमें दे रखा है 2 mm, तो 2 × 10^-3 आ गया। 8.85 लेके जिंदगी मत खराब करो, ठीक है ना। अब देखें कितना आता है, तो ये यहाँ से गया और 2 9 = 18 × 10^-2, ये आ जाएगा -1 और पीको फेराड। ओके, तो 1.8 पीको फेराड, ऑप्शन ढूंढो। 1.8 के आसपास एक ही आंसर है, 1.76, तो हमारा काम बन गया। ऐसे कैलकुलेशन मैनेज करनी है, अब कर लोगे। अब आपके एग्जाम में इस टाइप की कैलकुलेशन की मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। आई थिंक मैंने परफेक्ट टूल दे दिया आपको कैलकुलेशन करने का। तो अगर ऐसी गंदी वैल्यूज आती हैं लास्ट में, एप्सिलॉन नॉट परेशान करें, 9 लेकर के काम चला लो, ठीक है। अब हम आते हैं फिर से दो जबरदस्त कंसेप्चुअल पर। आपने अगर फेज 1 देखा होगा तो उसमें मैंने एक प्रॉब्लम कराया था फील्ड के ग्राफ का, वैसा ही एक प्रॉब्लम मैंने रखा है, वही सेम नहीं रखा, मैंने चेंज करके रखा है, क्योंकि वो हमेशा करना ही चाहिए, उस टाइप का प्रॉब्लम छोड़ के नहीं जाना चाहिए रिवीजन में। एक और उससे मिलता जुलता मैंने प्रॉब्लम रखा है जो कि पोटेंशियल के बिहेवियर का है। ये जो प्रॉब्लम आप देख रहे हो, ये ओरिजिनल IIT का कंसेप्चुअल है, ठीक है ना। IIT में आया हुआ कंसेप्चुअल है, पहले आया था आई थिंक 98-99 के आसपास। ये मेरी तरफ से आपके लिए, तो हम इन दोनों प्रॉब्लम को स्टडी करते हैं। इसमें मेरी तरफ से ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपके में ऑलरेडी आ चुका है ऐसा सवाल, इस टाइप का नहीं आया है, तो ऐसा आ सकता है, इसलिए ऊपर वाले सवाल को सीरियसली करना, एक बार कोशिश भी आप करना, जरूर आप करो, उसके बाद देखो आपका ऑप्शन मैच करता है या नहीं करता। तो प्रॉब्लम ये कह रहा है डायलेक्ट्रिक स्लैब ऑफ थिकनेस डी। तो हमें एक डायलेक्ट्रिक स्लैब दे रखा है जिसकी थिकनेस डी है। तो ये आप देख रहे हो ग्रीन कलर से मैंने एक डायलेक्ट्रिक स्लैब ले रखा है और इसका थिकनेस डी है। इज इंसर्टेड इन पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हूज नेगेटिव प्लेट इज एट x = 0। तो ये नेगेटिव प्लेट है और ये x = 0 पर लोकेटेड है। एंड पॉजिटिव प्लेट इज एट x = 3D। ये पॉजिटिव प्लेट हो गई जो कि x = 3D पर लोकेटेड है। द स्लैब इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द प्लेट, मतलब टोटल डिस्टेंस 3D हो गया, तो ये डिस्टेंस हमारे पास d हो गया, ये d है ही, और ये वाला डिस्टेंस भी हमारे पास d हो गया। ओके, द कैपेसिटर इज गिवन सम चार्ज, ठीक है, हमने चार्ज ऑलरेडी दे दिया। x goes from 0 से 3D, मतलब हम यहाँ से यहाँ की तरफ जाते हैं। तो मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड रिमेन सेम, इलेक्ट्रिक फील्ड रिमेन सेम, पोटेंशियल के बारे में, तो फील्ड और पोटेंशियल के बारे में कमेंट करना है। अब चार्ज दे करके बैटरी को विदा कर दिया गया, तो फील्ड इसके अंदर, ठीक है ना, आप कैसे इंटरप्रेट करेंगे वो ध्यान से सुनना। तो जब हम कैपेसिटर को बैटरी से डिस्कनेक्ट कर देते हैं और डायलेक्ट्रिक इंट्रोड्यूस करते हैं तो फील्ड E/K हो जाती है, डिक्रीज कर जाती है। तो हमें कुछ नहीं करना, बस जिस रीजन में जैसा के उससे डिवाइड करके फील्ड को लिख देना है। जैसे ये एयर है, तो इधर की फील्ड अगर हम लिखेंगे, ऑब्वियसली पॉजिटिव से नेगेटिव ही लिखोगे, तो ये फील्ड हो जाएगी हमारी E0/1, ठीक है ना, जहाँ E0 हो जाएगा हमारा ओरिजिनल इलेक्ट्रिक फील्ड, और अभी भी उतना का उतना ही है क्योंकि अभी हमने एयर ही रखा हुआ है। इस रीजन में K का डायलेक्ट्रिक है, K है ना, दे नहीं रखा तो मैं अपनी तरफ से K ले रहा हूं, तो इधर की फील्ड हो जाएगी E0/K और अगेन इधर की फील्ड हो जाएगी E0, ठीक। ये तो पूरा फील्ड का बिहेवियर हो गया। अब अगर हम यहां से यहां की तरफ बढ़े, तो ये चीज थोड़ी सी पोटेंशियल की है जो मैं यहां पर बोल रहा हूं कि फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में चलने पर पोटेंशियल बढ़ता है, तो यहां से यहां जाने पर पोटेंशियल बढ़ेगा। अब आप में से कहीं हो कि सर यहां तो कम होएगा, नहीं, यहां से यहां जाने पर पोटेंशियल बढ़ेगा, कितने से बढ़ेगा, फील्ड इनटू डिस्प्लेसमेंट E0d से बढ़ेगा, इधर से इधर जाने पे भी बढ़ेगा,
ई नॉट बाय के इन टू डी से बढ़ेगा, बढ़ ही रहा है, इधर ज्यादा बढ़ रहा है पर इधर उसके मुकाबले थोड़ा कम बढ़ रहा है। जैसे सपोज करो ये 3 मैग्नीट्यूड का होता है 3, तो यहां उसका मैग्नीट्यूड 2 है, तो यहां से यहां गए तो 3 से एड अप हुआ, यहां से यहां गए 2 और एड अप हुआ, एड अप हो रहा है तो बढ़ ही रहा है ना, हाँ उतना नहीं बढ़ रहा क्योंकि ई नॉट बाय के हो गई है फील्ड, इधर से इधर जाने पर पोटेंशियल और बढ़ा, यानी अपोजिट डायरेक्शन ऑफ फील्ड में चलने पर पोटेंशियल कंटिन्यूअसली बढ़ रहा है, ठीक है ना, पर उसके बढ़ने का रेट अलग अलग है। यहां उसका स्लोप ई नॉट है, ग्राफ लीनियर बनेगा स्लोप ई नॉट, यहां इसका स्लोप ई नॉट बाय के है तो ग्राफ थोड़ा सा रिड्यूस हो जाएगा स्लोप में, तो पहले ऐसे फिर ऐसे ई नॉट बाय के, फिर इधर स्लोप ई नॉट है तो वापस से ई नॉट वाला जहाज पकड़ लेगा, तो कंटिन्यूअसली इधर से इधर जाने पर पोटेंशियल बढ़ता चला जा रहा है। मेरे ख्याल से समझ आ गया होगा, रखने को तो मैं ग्राफ भी रखने वाला था पर इतना आपके में आता नहीं तो मैं परेशान क्यों करूं, ठीक है ना। अब ऑप्शन बढ़ते हैं, तो मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड रिमेन सेम, ये तो सिरे से बकवास बात है, द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड रिमेन सेम, तो डायरेक्शन थ्रू आउट सेम है, ये ऑप्शन हमारा करेक्ट है। द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इंक्रीजेस कंटिन्यूअसली, ये ऑप्शन हमारा करेक्ट है। द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इंक्रीजेज एट फर्स्ट देन डिक्रीजेज एंड अगेन इंक्रीजेज, अब जिस बच्चे को नहीं पता होगा वो जनरली ये ऑप्शन टिक करेगा और नेगेटिव लेकर के आ जाएगा, तो ये ऑप्शन हमारा गलत है। तो इसमें दो ऑप्शन सही है, ऑप्शन बी और ऑप्शन सी। मजेदार था, अच्छे से समझ आ गया, फील्ड का और पोटेंशियल का कंसेप्ट पूरा क्लियर हो जाना चाहिए। अब इसमें आ जाते हैं, ये बोल रहा है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर एज टू लेयर ऑफ डायलेक्ट्रिक एज शोन इन द फिगर, तो एक में 2 का डायलेक्ट्रिक है एक में 4 का डायलेक्ट्रिक है, बैटरी चार्ज करके भाग गए हम लोग, ठीक है ना। अब हमें फील्ड का बिहेवियर बताना है, तो यहां जो फील्ड हो जाएगी वो हो जाएगी ई नॉट बाय 2, यहां हो जाएगी ई नॉट बाय 4, तो इधर की फील्ड कॉन्स्टेंट है, इधर की फील्ड कॉन्स्टेंट है और फील्ड वर्सेज एक्स का ग्राफ हमें बनाना है। यहां की फील्ड ज्यादा है 0.5 ई नॉट, यहां की फील्ड थोड़ी सी कम है 0.25 ई नॉट, तो अगर हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो ग्राफ ऐसे आएगा, पहले 0.5 ई नॉट टिल डिस्टेंस डी, फिर 0.5 ई नॉट टिल डिस्टेंस 3 डी, तो ये हमारा पूरा का पूरा फील्ड का ग्राफ रहेगा, ये हो गया ई और ये हो गया एक्स। अब आप चेक करो इससे मिलता जुलता ग्राफ ए ऑप्शन है, तो आई थिंक अब आपके कंसेप्ट ठीक हो गए होंगे, अब आपको डर नहीं लगेगा इसमें। आ जाओ भाई, अब हमारे पास आता है सीआर सर्किट जो कि बहुत आसान है, जिसके अंदर फिर से मैंने कुछ एक जोरदार प्रॉब्लम रखे हैं जो आपको कराने जरूरी हैं। अच्छा, जब लास्ट एम्स में आया था ना ये प्रॉब्लम, एम्स में पहले, तो उस वक्त डिस्चार्जिंग सर्किट का आया था, तो मेरे को लग रहा है इस साल आपके में डिस्चार्जिंग सर्किट ना आ जाए, तो इसलिए डिस्चार्जिंग सर्किट के ऊपर एक मैंने अच्छा प्रॉब्लम रखा हुआ है। फिलहाल सीआर सर्किट मैंने आपको फेज 1 में भी कराया था, यहाँ भी सीख लो। तो सीआर में 2 सर्किट्स होते हैं, चार्जिंग का एक डिस्चार्जिंग का। अगर हम बैटरी कनेक्ट कर देते हैं कैपेसिटर के साथ तो चार्जिंग होती है, कैपेसिटर को चार्ज करके रेजिस्टेंस पे कनेक्ट कर देते हैं तो डिस्चार्जिंग होती है। अब जैसे ही बैटरी कनेक्ट करते हैं चार्ज धीरे धीरे इंक्रीज करता है, ठीक है ना, कैपेसिटर का पोटेंशियल इंक्रीज करता है। चार्ज के इंक्रीज करने की जनरल इक्वेशन होती है Q0 1 - e^(t/τ, τ का वैल्यू RC होता है। पोटेंशियल की इक्वेशन भी वही होती है। अगर हम करंट निकालें तो मजे की बात है, चाहे आप चार्जिंग सर्किट देखो चाहे डिस्चार्जिंग देखो, करंट बेचारा उसका तो जीवन ही खराब है और वो हमेशा एक्सपोनेंशियली डिक्रीजिंग इक्वेशन ही फॉलो करता है। अब इनफाइनाइट टाइम पे जाकर के कैपेसिटर फुल्ली चार्ज हो जाता है, ठीक है ना, +Q0 - Q0, और इसके साथ जो रेजिस्टेंस अटैच्ड है उससे करंट पास करना बंद कर देता है। तो जब हम इस स्टेट को हम स्टडी स्टेट बोलते हैं, स्टडी स्टेट में सॉल्व करते वक्त हम कैपेसिटर का पेट पूरा भर देते हैं, रास्ता ब्लॉक कर देते हैं, उस रास्ते से किसी करंट को पास नहीं होने देते, ठीक है ना, और हम कैपेसिटर के मैक्सिमम चार्ज को KVL लगा करके सर्किट के अंदर निकाल लेते हैं, या ब्रांचेस अगर पैरेलल में है तो वोल्टेज कंपेयर करके निकाल लेते हैं, ठीक है। अब डिस्चार्जिंग सर्किट में चार्ज समय के साथ साथ खत्म होता है, करंट की इक्वेशन निकालोगे वही आएगी, तो I = I0 e^(t/τ, ठीक है ना, यही आएगी, और वोल्टेज भी एक्सपोनेंशियली डिक्रीज करता है। अब डिस्चार्जिंग सर्किट में क्या होता है, कैपेसिटर की जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो रेजिस्टेंस धीरे 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 टाइम के साथ साथ हीट एनर्जी के अंदर खत्म करता चला जाता है, ठीक है ना। तो जो भी पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होती है वो हीट एनर्जी के अंदर खत्म होती है। अगर कभी ऐसा सवाल आ जाए कि एक रेजिस्टेंस ने सीआर सर्किट में 100 जूल की एनर्जी डिसिपेट करी, कैपेसिटर का मैक्सिमम चार्ज बता दो, तो यार वो कहाँ से आया 100 जूल, वो कैपेसिटर से ही तो आया, तो आप Q2/C को 100 जूल डाला और Q का वैल्यू निकाल के दे दिया। तो ऐसे करके आप सवाल एक्सपेक्ट कर सकते हो एग्जाम में। अब देखो दोनों सवाल बड़े अच्छे रखे हुए हैं इसके अंदर, आज इसको सिंप्लीफाई करते हैं। पहला प्रॉब्लम कह रहा है कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस 5μF इज कनेक्टेड एज शोन इन द फिगर, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल इज 0.5 ओम, तो मैं यहां पर लगा दूं 0.5 ओम, ओके।
अमाउंट ऑफ चार्ज ऑन द कैपेसिटर प्लेट, हमें कैपेसिटर प्लेट के ऊपर चार्ज निकालना है। ठीक, बिल्कुल सटीक सवाल है आपके एग्जाम के लिए। सबसे पहले मैं सर्किट को दोबारा रीड्रॉ कर लूं, ये हो गया 2 ओम, ठीक है, और इधर हमारे पास आ गया बैटरी और ये हो गया इंटरनल रेजिस्टेंस, ये हो गया 0.5 ओम का। तो बैटरी हमें 2.5 वोल्ट ही दे रखी है, तो ये 2.5 वोल्ट हो गया। कैपेसिटेंस इधर 5 μF का हो गया, रेजिस्टेंस इधर हमारे पास 2 ओम का हो गया, ठीक है ना। अब देखो करेंगे क्या, स्टडी स्टेट में हम कैपेसिटर को फुल चार्ज कर देते हैं, तो ये हो गया प्लस माइनस, इधर प्लस क्यू इधर माइनस क्यू, इससे पास करने वाला करंट 0 हो गया। सारा का सारा करंट ऐसे होता हुआ इधर से होता हुआ और इधर आ जाएगा। तो पहले हम इस करंट का वैल्यू निकाल लेते हैं, फिर ये ब्रांच और ये ब्रांच आपस में पैरेलल में वोल्टेज कंपेयर कर देंगे, या केवीएल लगा लो, चॉइस आपकी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम करंट निकाल लेते हैं, तो वोल्टेज हो गया 2.5, V इज इक्वल टू IR लगा रहे हैं, वोल्टेज की जगह 2.5, करंट हमें निकालना है, रेजिस्टेंस हो गया 2.5, ठीक है ना। तो करंट का वैल्यू हमारे पास आ गया 1 एम्पियर। ओके, अब ये वाली दोनों ब्रांचेस आपस में पैरेलल में, तो यहाँ का वोल्टेज हो गया Q/C यानी Q/5, नेक्स्ट 0 इक्वल्स टू इधर का वोल्टेज हो गया IR विच इज 2, तो Q की वैल्यू आ गई 10 μC। तो कैपेसिटर पर जो आने वाला चार्ज हो गया दैट इज 10 μC, ऑप्शन हमारा सी करेक्ट हो गया। ये बहुत अच्छा प्रॉब्लम है, इसको ध्यान से सीखना, पहले आप ट्राई करो, ठीक है ना, ये आप ट्राई करो, देखें आपका क्या आंसर आता है, फिर मैं बताता हूँ। तो क्वेश्चन ये कह रहा है, इन द सर्किट शोन C1 इक्वल्स टू 2C2, तो C1 की जगह C1 और C2 का रिलेशन है 2C2, तो C2 को मैं C ले लेता हूँ, ये हो गया 2C। दोनों पैरेलल में बैटरी के कनेक्टेड है और इस स्विच को T=0 पर हमने क्लोज कर दिया। रेशियो ऑफ करंट बताना है I1 I2 का। देखो इधर जाने वाला करंट I1 है और इधर जाने वाला करंट I2 है, दोनों की हमें इक्वेशन लिखनी पड़ेगी। करंट का इक्वेशन एक ही है, वो बेचारा पेटेंटेड है, I=I0e^(t/τ). तो I=I0e^(-t/τ), टाउ की जगह हमारे पास आ गया CR, तो ये बन गया 2CR। ओके, I0 होता है मैक्सिमम करंट, ठीक है। मैक्सिमम करंट निकालते वक्त हम कैपेसिटर को वायर से रिप्लेस कर देते हैं और वो T=0 पर होता है। तो आप चेक करो, इस ब्रांच का मैक्सिमम करंट भी V/R होगा, इस ब्रांच का मैक्सिमम करंट भी V/R होगा, मतलब दोनों ब्रांचेस के मैक्सिमम करंट में कोई फर्क नहीं पड़ रहा है कैपेसिटर की वैल्यू से, क्योंकि हम कैपेसिटर को वायर से रिप्लेस कर देते हैं। तो दोनों के I0 सेम है, तो हमें उसके टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें रेशियो के बारे में बताना है। दूसरे का आ गया I0e^(-t/τ), टाउ की जगह CR आ गया। ओके, अब हम I1/I2 का रेशियो ले लेते हैं, ध्यान से देखना बेटा, I0 कैंसिल हो गया, e^(-t/2CR/e^(-t/CR), इसको ऊपर ले जाओ, ठीक है ना, और ऊपर ले जाके बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएगी, तो t/CR − t/2CR, ये बचा e^(-t/CR), सही है। तो I1/I2 का रेशियो हमारे पास आ गया कितना, e^(-t/CR), पॉजिटिव आ रहा है, इसका मतलब I1/I2 का रेशियो पॉजिटिव आ रहा है, इसका मतलब ये करंट का रेशियो हमेशा टाइम के साथ साथ इंक्रीज करेगा। तो इस कांस्टेंट, गलत ऑप्शन, इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन टाइम, डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन टाइम, गलत हो गया, फर्स्ट इंक्रीजेस दैन डिक्रीजेस, गलत हो गया, था ना मजेदार। तो इसमें सीखने को क्या क्या मिला, I0 कैसे निकालते हैं, और सीखने को क्या मिला कि एक्सपोनेंट में जब ये बेस सेम होते हैं तो पावर ऐड हो जाती है, अगर पॉजिटिव आया तो इंक्रीजिंग रहेगा, नेगेटिव आ गया तो डिक्रीजिंग हो जाएगा, ठीक है ना। चलते हैं आगे, ये दो सवाल स्पेशल प्रॉब्लम है, ठीक है, इन दोनों में से कुछ इस तरीके का आपको इस साल दिखना चाहिए, ठीक। देखो इनको करने का तरीका भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। ये कह रहा है चार्ज कैपेसिटर इज अलाउड टू डिस्चार्ज थ्रू अ रेजिस्टर बाय क्लोजिंग द की एट इंस्टेंट T=0, तो इसको हम इससे डिस्चार्ज करवा रहे हैं। कह रहा है एट द इंस्टेंट T=ln4 μS, तो टाइम की वैल्यू दे रखी है ln4 μS, ठीक है ना, ln4 का मतलब log(e)4, ठीक है ना, इतने टाइम पर। अब बहुत से बच्चे ln4 μS देखते ही, जिनके हाथ पांव कमजोर होते हैं, कंसेप्ट हिले हुए होते हैं, कहते हैं ना भाई छोड़ो, हमसे तो ना हो पाएगा, ठीक है ना, तो वो इतने में ही छोड़ देते हैं सवाल, जबकि प्रॉब्लम आसान है, अगर आप सही से टिक गए आप पूरे 4 नंबर लेकर के आओगे। सीखो अब इसको, कहता है द रीडिंग ऑफ एमिटर फॉल्स हाफ ऑफ द इनिशियल वैल्यू, तो कहता है इतने टाइम में जो एमिटर की रीडिंग है वो आधी गिर जाती है, मतलब पहले अगर I0 थी तो अब I0/2 हो जाती है, ठीक है, करें क्या, द रेजिस्टेंस ऑफ एमिटर बता दो, तो रेजिस्टेंस ऑफ एमिटर हमें निकालना है ना, मजेदार खेल है पूरा। कैसे करेंगे, देखो सर्किट में करंट के बारे में बात चल रही है, इक्वेशन लिखो e^(-t/τ), करंट हमें दे रखा है आधा, तो I0/2 डालते हैं,
आई नॉट आई नॉट कटेगा, टी बाय टाउ दोनों तरफ लॉग ले लो, तो लॉग हाफ माइनस टी बाय टाउ लॉग ई, लॉग ई की बेस ई वन हो जाएगा, इसको रेसिप्रोकेट कर लो, टी की वैल्यू आ जाएगी टाउ लॉग टू। अब आपको जो गिवन टाइम है वो दे रखा है एल एन फोर, मैं यहाँ पुट कर दे रहा हूँ, तो एल एन फोर मतलब लॉग फोर की बेस ई टाउ, टाउ मतलब हो गया हमारे पास सी आर, सी हमें पता ही है, अभी तो मैं सी ही लिख दे रहा हूँ, आर हो गया टोटल रेजिस्टेंस विच इज आर प्लस आर टाइम्स लॉग टू की बेस ई, बस लास्ट स्टेप। लॉग फोर को लिख सकते हो टू लॉग टू, ये यहाँ से कटेगा, इधर बचेगा टू, सी की वैल्यू हो गई 0.5, कैपिटल आर की वैल्यू बच्चों हमारे पास दे रखी है कितनी 2 ओम, और स्मॉल आर हमें निकालना है। यूनिट कंपेयर करूँ, ये हमें दे रखा माइक्रो सेकंड में, ये हमें दे रखा माइक्रो फराड में, माइक्रो माइक्रो निकल लिए, तो इधर आ गया हमारे पास 4 2 प्लस आर, और स्मॉल आर का वैल्यू आ गया 2 ओम, है ना, मजेदार खेल पूरा। मेरे ख्याल से आप पहली बार ही ऐसा कर रहे होगे, तो ऑप्शन नंबर सी आपके लिए करेक्ट ऑप्शन हो गया, तो प्रैक्टिस दोबारा करनी है, और ऐसा प्रॉब्लम आने पर डरना नहीं है, ठीक है ना, ये प्रॉब्लम आप आराम से कर सकते हो। अब इस जैसा एक और प्रॉब्लम है, कह रहा है इन द आरसी सर्किट शोन टोटल एनर्जी ऑफ इतना इज डिसिपेटेड इन 10 ओम रजिस्टर देन द इनिशियल चार्ज ऑन द कैपेसिटर, कर लेंगे खत्म इसको, इतनी एनर्जी डिसिपेट हो रही है, आई कहाँ से, कैपेसिटर से ही तो आई है, तो दिस इज इक्वल्स टू 3.6 इंटू 10 की पावर माइनस 3 इक्वल्स टू हाफ क्यू नॉट स्क्वायर बाय सी, हमें क्या निकालना है इसमें इनिशियल चार्ज, तो सी की वैल्यू इधर लगा दो, 2 माइक्रो फराड दे रखी है, तो 3.6 इंटू 10 की पावर माइनस 3 इंटू 2 इंटू 2 माइक्रो फराड 10 की पावर माइनस 6 इक्वल्स टू क्यू नॉट स्क्वायर, तो आई थिंक अब आप इधर से निकाल लोगे, ये हो गया 4 और इधर हो गया 36, 639, एक डेसिमल और इसमें ले लेते हैं, तो 36 इंटू 4 इंटू 10 रेस टू द पावर ये आ गया माइनस 10 इक्वल्स टू क्यू नॉट स्क्वायर, तो क्यू नॉट की वैल्यू आ गई 9 इंटू 2 इंटू 10 रेस टू पावर माइनस 5 कूलम, ठीक है ना, तो 18 या ऐसे बोला जाए 1.8, अब ये देखना पड़ेगा मेरे को किस ऑप्शन में निकाल रहा है, तो Q नॉट की वैल्यू हमारे पास आ रही है इसका रूट लेने पर, सॉरी यहाँ गड़बड़ हो गया थोड़ा सा, ये हो गया 6 इंटू 2 इंटू 10 रेस्ट बार माइनस 5, तो 12, और यूनिट हमें माइक्रो कूलम में चलाना है, तो माइक्रो कूलम में लाने के लिए 10 से मल्टीप्लाई 10 से डिवाइड, तो 120 माइक्रो कूलम हो गया, चलो अब हटाओ उसको, तो 120 माइक्रो कूलम यानी ऑप्शन बी करेक्ट। तो मेरे ख्याल से अब सीआर सर्किट तो यार अच्छे से आ गया होगा, ठीक है ना, डायलैक्ट्रिक बढ़िया से आ गया होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल में आपका सवाल गलत होना नहीं है, तो अब क्या करना है आपको, सारी चीजें वापस से बढ़िया से प्रैक्टिस कर लेनी है, प्रैक्टिस ही जरूर लगानी है, और जाते जाते आप एक बार रिव्यू जरूर कर देना आपको, ठीक है ना। अब आपको मैं इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम बता देता हूँ, ये इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, इनको लगाओ, इनके अंदर भी वही कंसेप्ट है जैसे मैंने अभी आपको सिखाए हैं, चुने हुए प्रॉब्लम है, मेरे ख्याल से तो डाउट होना नहीं चाहिए पहली बार, ठीक है ना, इनको लगाओ, प्रैक्टिस शीट के प्रॉब्लम लगाओ, कैपेसिटर में मेरे ख्याल से आपको दिक्कत नहीं आएगी नीट के पेपर के अंदर, ये मेरी गारंटी है, ठीक है ना। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, ठीक है ना, नेक्स्ट लेक्चर फिर से एक दिन छोड़ करके आपका रहेगा, और वो रहेगा आपका वर पावर एनर्जी का, ठीक, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, अच्छे से जम के प्रैक्टिस कर लो, थैंक यू सो मच।